Good evening, friends. Any queries in the last lecture? No? चलिए आज बड़ा इंटरेस्टिंग लेक्चर है. कुछ ऐसे इश्यूज करेंगे जो एग्जाम में हर एग्जाम में आते हैं. पेज 169 पर आइएगा. सेक्शंस 30 to 37 होती है आपकी डिडक्शंस. सेक्शंस 30 to 37 में आपकी डिडक्शंस लिखी हुई हैं और सेक्शन 40 और 40A क्या होता है? डिसअलाउंसेस. सो सेक्शन 40 और 40A में होते हैं आपके डिसअलाउंसेस कि लॉ मेकर्स कहते हैं ये फॉलोइंग एक्सपेंडिचर्स हम एक्सप्रेसली डिसअलाउ करेंगे अंडर दिस सेक्शन. 40A करना स्टार्ट करते हैं. एक्सपेंसेस नॉट डिडक्टेबल अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस सेक्शन 40A द फॉलोइंग डिसअलाउंसेस शैल बी मेड नॉट विदस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन एनी अदर प्रोविजन ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट. चाहे पूरे एक्ट में कुछ भी लिखा हो हम फॉलोइंग डिसअलाउंसेस करेंगे. सो नॉट विदस्टैंडिंग मीन्स ओवर रूलिंग. So, overruling the entire provisions of the Income Tax Act, the following disallowances shall be made 40A2. 40A2 क्या होता है? आपने शायद देखा होगा कि private companies में companies director को, director के father को, director की mother को salary pay करते हैं. क्या वो अलाउ हो जाएंगे? ये AO डिसअलाउ कर देता है. किस सेक्शन में डिसअलाउ करता है? 40A2. 40A2 कहता है कि अगर आप कोई एक्सपेंडिचर की पेमेंट कर रहे हैं, पहली बात एक्सपेंडिचर है आपका, नंबर टू उसकी पेमेंट कर रहे हैं किसको? स्पेसिफाइड पर्संस को. और वो जो पेमेंट आप कर रहे हैं वो एक्सेसिव है, अनरीजनेबल है, हैविंग रिगार्ड टू द मार्केट वैल्यू ऑफ गुड सर्विसेज या हैविंग रिगार्ड टू द लेजिटिमेट नीड्स ऑफ द बिजनेस. तो जितनी पेमेंट एक्सेसिव है, अनरीजनेबल है, उसे हम डिसअलाउ कर देंगे 40A2 में. पेमेंट करते हैं आप स्पेसिफाइड पर्संस की लिस्ट सेक्शन 42 में दी हुई है कि फॉलोइंग पर्संस आर स्पेसिफाइड पर्संस. आपको याद करने की जरूरत नहीं है. मोटा मोटा याद रखिए, कंपनी के केस में स्पेसिफाइड पर्संस कौन होंगे? डायरेक्टर्स. फर्म के केस में स्पेसिफाइड पर्संस कौन होंगे? पार्टनर्स. सो कंपनी के केस में डायरेक्टर्स एंड डायरेक्टर्स के रिलेटिव्स स्पेसिफाइड पर्सन होते हैं. फर्म के केस में पार्टनर्स के रिलेटिव्स, दे आर स्पेसिफाइड पर्संस. सो एज सच आपकी लिस्ट होती है कि कौन कौन स्पेसिफाइड पर्संस हैं. आपको ये लिस्ट करने की जरूरत नहीं है. मैंने एक समरी बनाई हुई है पेज 171 पर, इसको देख लीजिएगा. याद नहीं करना, सिर्फ देख लीजिएगा. पेज 171 पर है. इंडिविजुअल अगर असेसी है तो उसके रिलेटिव स्पेसिफाइड पर्सन होते हैं. अगर कंपनी असेसी है तो डायरेक्टर्स के रिलेटिव स्पेसिफाइड पर्सन होते हैं. फर्म के किसी पार्टनर्स, उनके रिलेटिव्स, AOPBI में उसके मेंबर्स रिलेटिव्स, HUF members relatives, या फिर एक इंडिविजुअल का किसी कंपनी, फर्म, AOP, BY, HUF में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है. व्हाट इज सब्सटेंशियल इंटरेस्ट? 20% or more शेयर इन प्रॉफिट्स है या फिर
वोटिंग पावर है देन स्पेसिफाइड पर्सन है। तो मैं एक इंडिविजुअल हूँ, मेरी कंपनी में 20% शेयर होल्डिंग है, पार्टनरशिप फर्म में 20% शेयर ऑफ प्रॉफिट है, तो मेरे लिए कंपनी और ये फर्म इज अ स्पेसिफाइड पर्सन। तो एज सच देख लीजिएगा एक बार लिस्ट, याद नहीं करनी, वापस आ जाइए। वेयर असेसी इनकर्स एनी एक्सपेंडिचर, अंडर इन द वर्ड्स इनकर्स एनी एक्सपेंडिचर, लास्ट एग्जाम में एग्जामिनर ने कंफ्यूज किया, यहां पर सेक्शन कहता है वेदर सेसी इनकर्स एनी एक्सपेंडिचर, कौन सा एक्सपेंडिचर, इन रिस्पेक्ट ऑफ विच पेमेंट हैज बीन और इज टू बी मेड टू स्पेसिफाइड पर्सन। टू थिंग्स, असेसी ने इनकर किया एक्सपेंडिचर जिसके लिए पेमेंट हो गई है या करनी है टू द स्पेसिफाइड पर्सन, द एओ मे डिसअलाउ सो मच ऑफ द एक्सपेंडिचर एज ही कंसिडर्स टू बी एक्सेसिव अनरीजनेबल हैविंग रिगार्ड टू द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ गुड सर्विसेज और फैसिलिटीज फॉर विच पेमेंट इज मेड एंड द लेजिटिमेट नीड्स ऑफ द बिजनेस। मान लीजिए मेरा मोनोपोली बिजनेस है, मेरा मोनोपोली बिजनेस है, सिर्फ इंडिया में मैं ही ये गुड्स बेचता हूं और मेरे पास आगे 10 साल के ऑर्डर्स बुक्ड है, जैसे माल आता है एकदम सप्लाई हो जाती है, सब जो खरीदार है लाइन में लगे हुए हैं। अब मैं अपने बिजनेस का एडवर्टाइजमेंट करता हूं एक मैगजीन में, जो मैगजीन मेरी वाइफ पब्लिश कर रही है, तो मैं पेमेंट कर रहा हूं स्पेसिफाइड पर्सन को, क्या मुझे इस एडवर्टाइजमेंट की जरूरत थी? नो, तो देयर वाज नो लेजिटिमेट नीड्स ऑफ द बिजनेस एंड देयरफॉर जो मैंने पेमेंट की अपनी वाइफ को, दैट विल बी 100% डिसअलाउड अंडर 40A2। सपोज मैं नॉर्मल गुड्स बेचता हूं, नॉर्मल गुड्स बेचता हूं, मेरी वाइफ एक मैगजीन पब्लिश करती है, मैं उस मैगजीन में 1,00,000 रुपए का एड देता हूं और सिमिलर एड जो बाकी मैगजीन्स हैं उसमें 20,000 रुपए के आ जाते हैं, तो 80,000 एक्सेसिव है, सो 80,000 विल बी डिसअलाउड। मैंने अपनी कंपनी में अपने फादर को सैलरी पे की है, सैलरी पे कर रहा हूं 1,00,000 पर मंथ, मेरे फादर की एज है 67 ईयर्स, मेरे फादर की क्वालिफिकेशन थी इसे बीकॉम, और मेरा कंपनी का सीए है उसे मैं पे कर रहा हूं 60,000 पर मंथ। नाउ जो मैं सैलरी अपने फादर को पे कर रहा हूं, स्पेसिफिक पर्सन को पेमेंट जा रही है, एक्सेसिव है, अनरीजनेबल है, हैविंग रिगार्ड टू द मार्केट वैल्यू ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज, एंड देयरफॉर एओ कह सकता है कि आपके फादर की रीजनेबल सैलरी 20,000 रुपए बनती है, एंड देयरफॉर 80,000 इज बीइंग डिसअलाउड, 80,000 इज बीइंग डिसअलाउड। बताइए, मेरी कंपनी ने मेरे फादर को 1,00,000 की सैलरी पे की, एओ ने कहा 80,000 अनरीजनेबल है, उसको डिसअलाउ कर दिया, अब मेरे फादर की हाथ में इनकम कितनी छुड़ेगी? 20,000 और 1,00,000, 1,00,000, एंड देयरफॉर देयर इज अ डबल टैक्सेशन। सो 40A2 में देयर इज अ डबल टैक्सेशन, जो मैंने स्पेसिफाइड पर्सन को पेमेंट की लेट्स से 10,00,000, उसमें से 8,00,000 एओ ने अनरीजनेबल मान के डिसअलाउ कर दी मुझे, बट स्पेसिफाइड पर्सन जिसको पेमेंट मिली है उसके हाथ में पूरा 10,00,000 रुपीज टैक्सेबल होगा। आपने देखा होगा टैक्स ऑडिट रिपोर्ट, आपने देखा होगा इवन कंपनीज एक्ट में जो रिपोर्ट बनाते हैं आप, उसमें क्या डिस्क्लोजर्स देने होते हैं आपको, पेमेंट टू रिलेटेड पार्टीज, और वो डिटेल आपसे मांगते हैं ताकि एओ चेक कर सके कि 40A2 अट्रैक्ट हो रहा है या नहीं। क्लियर है? यहां एओ की डिस्क्रिशन है, यानी फैक्ट्स पर एओ प्रूव करेगा कि कितनी सैलरी रीजनेबल बन रही है, हैविंग रिगार्ड टू द मार्केट वैल्यू ऑफ गुड सर्विसेज। अब ये कह रहे हैं कि इस बात पे झगड़ा होगा कि रीजनेबल क्या है, ये कह रहे हैं हम, एंड देयरफॉर रेवेन्यू ने, फाइनेंस मिनिस्टर ने क्या किया था, एक कंसेप्ट होता है शायद सुनो, ट्रांसफर प्राइसिंग। ट्रांसफर प्राइसिंग होता है कि
जो आप इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं उसकी आर्म लेंथ प्राइस निकालना। आर्म लेंथ प्राइस मतलब फेयर मार्केट वैल्यू, और वो फेयर मार्केट वैल्यू कौन निकालता है? ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर, TPO। तो यहां पर भी झगड़े पड़ते हैं कि व्हाट इज द फेयर मार्केट वैल्यू। एंड देयरफॉर गवर्नमेंट ने डोमेस्टिक ट्रांसफर प्राइसिंग इंट्रोड्यूस की थी, और डोमेस्टिक ट्रांसफर प्राइसिंग में 40A2 आता था, 40A2 आ जाता था। बट इस पर बहुत लोगों को तकलीफ हुई, क्योंकि AO हर केस में क्या करता था, जहां 40A2 लग रहा है केस रेफर कर दिया किसको? TPO को, ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर को, और डिलेज होते थे असेसमेंट में। एंड देयरफॉर डोमेस्टिक ट्रांसफर प्राइसिंग से 40A2 हटा दिया गया है, यानी जो फेयर मार्केट वैल्यू है वो TPO नहीं निकालेगा, कौन निकालेगा? AO ही निकालेगा, असेसिंग ऑफिसर ही निकालेगा। सो एज पर द अमेंडमेंट बाय द फाइनेंस एक्ट 17, डोमेस्टिक ट्रांसफर प्राइसिंग शैल नॉट बी एप्लीकेबल इन केस ऑफ 40A2। सो डोमेस्टिक ट्रांसफर प्राइसिंग से दो केस में लगती है, दो केस कौन से होते हैं हम आगे जाके पढ़ेंगे, बट 40A2 में डोमेस्टिक ट्रांसफर प्राइसिंग इज नॉट एप्लीकेबल। एक अभी करेंगे हम कि अगर 10,000 से ऊपर कैश पेमेंट करते हैं तो एक्सपेंडिचर डिसअलाउ हो जाता है। एट द टॉप लिखिए, एग्जामिनर ने कंफ्यूज किया, पेमेंट टू स्पेसिफाइड पर्सन रेफर्ड इन सेक्शन 40A2 इन कैश 25,000। AO considers that ₹16,000 is, एक मिनट, हाँ, unreasonable and therefore disallowed under section 40A2। कर गया आपको examiner confused, क्या issue है? A2 में AO ने 16,000 डिसअलाउ कर दिए, यानी एक्सपेंस अलाउबल कितना हुआ आपका? 9,000 अलाउ हो जाएगा? नहीं, 10,000 से कम है। कंफ्यूज हो गए आप, ट्रैप में आ गए। यहां तो एंटायर 25,000 विल बी डिसअलाउड अंडर सेक्शन 40A3, नो क्वेश्चन ऑफ इनवोकिंग सेक्शन 40A2। क्लियर? अब आप इधर देखिए, लास्ट टाइम क्वेश्चन है एग्जाम में, असेसी ने लिखेगा मत दिया हुआ आगे, असेसी ने स्पेसिफाइड पर्सन को गुड सेल की 10 लाख रुपीज की, जिनकी फेयर मार्केट वैल्यू है 12 लाख रुपीज, कितना डिसअलाउंस होगा? असेसी ने स्पेसिफाइड पर्सन को सेल की 10 लाख रुपीज की, उनकी फेयर मार्केट वैल्यू है 12 लाख रुपीज, यानी 2 लाख रुपीज का डिस्काउंट दे दिया। यानी नॉर्मल कस्टमर को 12 लाख की बेचता है, नॉर्मल कस्टमर को 12 लाख की बेचता है, और स्पेसिफाइड पर्सन को बेच दी 10 लाख रुपीज की। हाउ मच द डिसअलाउंस अंडर 40A2?
इनकम में क्या ऐड करेंगे आप? 2 लाख रुपए इनकम कैसे ऐड कर सकते हैं? कहां है पावर ईओ के पास? कहीं लिखा नहीं है। यहां 40A2 इन्वोक नहीं हो सकता, बिकॉज 40A2 कब लगता है? असेसी ने एक्सपेंडिचर इनकर किया है जिसके लिए स्पेसिफाइड पर्सन को पेमेंट जानी है। ना तो यहां कोई एक्सपेंडिचर है, ना ही पेमेंट जाएगी स्पेसिफाइड पर्सन को, एंड देयरफॉर 40A2 कैन नॉट बी इन्वोक्ड, एंड देयरफॉर यहां कोई टैक्स स्टेटमेंट नहीं होगा, यानी कि 40A2 डिसलाउंस नहीं होगा। जो आप कहते हैं 2 लाख एडिशन हो जाएगी, एडिशन करने की कोई पावर नहीं है एओ के पास। क्लियर? पेज 170 पर आइए। यूनाइटेड एक्सपोर्ट्स वर्सेस सीआईटी दिल्ली हाई कोर्ट। देखिए 50C, यहां तो गुड्स बेची जा रही है। यूनाइटेड एक्सपोर्ट्स अ कोर्ट हेल्ड एट द वेरी फैक्ट दैट आउट ऑफ द टोटल डोमेस्टिक सेल्स, तो असेसी की टोटल डोमेस्टिक सेल्स 13.20 करोड़ और सेल थी सिस्टर कंसर्न को कितनी? 11.11 करोड़। क्लियरली जस्टिफाइड दैट गिविंग अ ट्रेड डिस्काउंट एट 11% टू सिस्टर कंसर्न एज कंपेयर टू 3% टू अदर्स इज जस्टिफाइड। इट फर्दर हेल्ड दैट 40A2 डज नॉट अप्लाई टू ट्रेड डिस्काउंट इन एज मच अ ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट एन एक्सपेंडिचर विच इज इनकर्ड विद इनकर्ड और विद रिस्पेक्ट टू विच अ पेमेंट हैज टू बी मेड। ओके, ये पॉइंट थ्री एक अमेंडमेंट है। लिखिए एट द बॉटम ए लिमिटेड, अगर बी लिमिटेड और सी लिमिटेड के 20% शेयर्स होल्ड कर रही है तो बताइए ए के लिए बी स्पेसिफिक पर्सन है या नहीं, और ए के लिए सी भी स्पेसिफिक पर्सन है, और बताइए बी के लिए सी स्पेसिफिक पर्सन बन जाएगा या नहीं? यस, ये अमेंडमेंट आई। सो ए बी स्पेसिफिक पर्सन है, ए सी स्पेसिफिक पर्सन है, और बी एंड सी इज ऑल्सो स्पेसिफाइड पर्सन्स। पहले बी और सी को स्पेसिफाइड पर्सन नहीं मानते थे, यानी अगर बी और सी के बीच में ट्रांजैक्शन होती थी उस पर 40A2 नहीं लगता था। सुना होगा बी सी को गुड्स मतलब सी को एक्सपेंडिचर पे करता है तो 40A2 कैन बी इनवोक्ड। नेक्स्ट, सो ए लिमिटेड इज अ होल्डिंग कंपनी एंड इट होल्ड्स 51% शेयर्स इन सब्सी कंपनी बी लिमिटेड एंड सब्सी कंपनी सी लिमिटेड। द ट्रांजेक्शन बिटवीन बी एंड सी विल ऑल्सो बी गवर्न बाय प्रोविजन ऑफ 40A2। असेसी सेल्स गुड्स मैन्युफैक्चर्ड बाय इट टू इट्स डायरेक्टर्स एट 1 लाख और इनकी मार्केट प्राइस है 175, एओ 40A2 इन्वोक कर सकता है या नहीं? सेम तो क्वेश्चन है ये ऊपर जो हमने किया है। 40A2 कब लगता है? जब असेसी एक्सपेंडिचर इनकर करता है। यहां तो ट्रेड डिस्काउंट दिया जा रहा है विच इज नॉट एन एक्सपेंडिचर, एंड फर्दर 40A2 तब लगता है जब असेसी इनकर करता है एक्सपेंडिचर फॉर विच पेमेंट हैज बीन और हैज टू बी मेड टू स्पेसिफिक पर्सन, वो भी कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है, देयरफॉर 48 इज नॉट अट्रैक्टेड। इलस्ट्रेशन 2, कंपनी जो है सैलरी पे करती है 30,000 पर मंथ टू डायरेक्टर। द कंपनी डिसाइड्स टू पे फर्दर 1% ऑफ नेट प्रॉफिट टू डायरेक्टर इन एडिशन टू सैलरी पेमेंट एडवाइस। बताइए 40A2 लग सकता है या नहीं? लग सकता है या नहीं? डायरेक्टर इलिटरेट है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, लग सकता है बिकॉज डायरेक्टर इज अ स्पेसिफाइड पर्सन, इज अ स्पेसिफाइड पर्सन, तो जो डायरेक्टर्स को पेमेंट जाती है उस पर 40A2 कैन बी
involved. The assessee company proves that salary commission are reasonable, having regard to the services rendered by the director, then 40A2 cannot be invoked. If, however, the AO proves that the salary commission paid to the director is unreasonable, having regard to the services rendered by director, so AO unreasonable portion ko disallow kar sakta under 40A2. It may be noted that salary commission disallowed under 40A2 shall still be taxable in the hands of director, and therefore there is a double taxation. Yahan likhiye double taxation. Double taxation. A3 कहता है कि अगर आप कोई एक्सपेंडिचर इनकर करते हैं, आप कोई एक्सपेंडिचर इनकर करते हैं और उसके लिए आप पेमेंट करते हैं एक्सीडिंग रुपीज 10,000 इन अ डे. पहले लॉ में लिखा था कि अगर आप कोई एक्सपेंडिचर इनकर करते हैं जिसके लिए आप पेमेंट करते हैं एक्सीडिंग रुपीज 10,000 एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम अदरवाइज देन बाय अकाउंट पे चेक, बैंकिंग चैनल्स, अप्रूव चैनल्स, तो एक्सपेंडिचर को हम डिसअलाउ कर देंगे. एक्सपेंडिचर को हम डिसअलाउ कर देंगे. एक सुप्रीम कोर्ट जजमेंट आई आलू सप्लाई कंपनी, बड़ी फेमस जजमेंट हुआ करती थी, जहां असेसी ने 1,00,000 का एक्सपेंडिचर इनकर किया. मॉर्निंग 10 o'clock, 11 o'clock, 11:30, 12:30, 3, इस तरह से 10,000 की कैश पेमेंट की. सुप्रीम कोर्ट ने कहा सेम डे में आधे घंटे बाद 10,000 की कैश पेमेंट की. सुप्रीम कोर्ट ने कहा, लॉ में लिखा हुआ है कि एक्सीडिंग 10,000 एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, एंड देयरफॉर यहां पर डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम पर पेमेंट हुई है, एंड देयरफॉर 40A3 विल नॉट बी अट्रैक्टेड. इस सुप्रीम कोर्ट जजमेंट को ओवररूल किया गया और प्रोवाइड किया गया कि अगर आप टोटल पेमेंट्स करते हैं इन अ डे एक्सीडिंग 10,000 टू अ पर्सन, या फिर टोटल पेमेंट का एग्रीगेट पेमेंट्स मेड इन अ डे टू अ पर्सन एक्सीड रुपीज 10,000 और पेमेंट करें अदरवाइज देन बाय अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे बैंक ड्राफ्ट, बैंकिंग चैनल्स, अप्रूव चैनल्स, तो हम एक्सपेंडिचर को डिसअलाउ कर देंगे. बताइए, अगर मैंने 1,00,000 का एक्सपेंडिचर इनकर किया, आई थिंक यू वर आस्किंग दैट क्वेश्चन जब मैं 43(1) करवा रहा था, या यू वर आस्किंग, तो जब मैं 43(1) एक्चुअल कॉस्ट करा रहा था, जहां कैश पेमेंट कर रहे थे, आपने क्वेश्चन पूछा तो मैंने डेफर कर दिया था. अब उस क्वेश्चन को टेकअप कर लेते हैं. इनका क्वेश्चन था, मैंने एक्सपेंस इनकर किया 1/1/2021 को 1,00,000 रुपीज का. अब मैं 1/1/21 को 10,000 पे कर देता हूं, 2/1/21 को 10,000 पे कर देता हूं, 3/1/21 को 10,000 पे कर देता हूं. इस तरह से अलग अलग दिन मैं 10,000 ईच पे करता हूं. डिसअलाउंस होगी या नहीं? नहीं होगी. आप कहेंगे हर आदमी यही करेगा, आप कहेंगे हर पर्सन यही करेगा कि दिखाएगा मैंने पेमेंट्स डिफरेंट डेज पे किए हैं. और देखिए, जब एओ देखेगा कि एक एक्सपेंडिचर की पेमेंट आपने डिफरेंट डेज पे की है और 10,000 से एक्सीड नहीं कर रही, आपकी कैश पेमेंट कर रहे हैं, बताइए केस डाउट का बन जाएगा या नहीं? इमीडिएटली एओ क्या कहेगा, जिसको पेमेंट किया है उसका आप लेजर लेके आइए. उस पार्टी को समन करके बुला लेगा, अपना लेजर लेके आ जाइए. और उस पार्टी ने क्या किया होगा, 1,00,000 एक ही दिन रिसीव दिखाया होगा, यानी आपकी बुक्स फॉल्स है. उल्टी आपके ऊपर फॉल्सिफिकेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स की पेनल्टीज प्रोसिक्यूशन लग जाएगी. अब आप कहेंगे मैं दूसरी पार्टी को रिक्वेस्ट कर दूंगा कि वो भी दिखा दे 10,000 रुपीज अलग दिन रिसीव किया उसने. देखिए, हम किसी छोटे मोटे दुकानदार की बात नहीं कर रहे. आज
अगर आपने देखा हो, जब शोरूम्स बंद हो जाते हैं, जब शोरूम्स बंद हो जाते हैं तो एम्प्लॉय शटर डाउन करके भी काम करते रहते हैं। जैसे 7 बजे शाम को दुकानें बंद हो गई तो आप देखिए एम्प्लॉयज अंदर शटर डाल के काम करते रहते हैं, 8 बजे शटर खोल के निकल जाते हैं, क्या करते हैं, 1 घंटे क्या होता है देखिए। जैसे कि टाटा की वेस्ट साइड है, रतन टाटा वेस्ट साइड में हर जगह जाके नहीं बैठते, हर जगह मैनेजर्स होते हैं, कंट्रोल करते हैं, कहते हैं जितना कैश आया, जितना सुबह से लेकर शाम को 7 बजे तक कैश आया, आप गिनकर हेड ऑफिस को रिपोर्ट करिए और नेक्स्ट डे मॉर्निंग बिफोर यू स्टार्ट द बिजनेस द कैश मस्ट बी डिपॉजिटेड इन द बैंक अकाउंट। सो देखिए वेस्ट साइड के मैनेजर से आप बोलें कि मैं तुझे 1 लाख दे देता हूं आज 1121 को, मुझे काम का रसीद देते 1121 2121 3121 लाइक दैट 10121 तक रसीद दे दे 10,000 ईच की, वो कभी नहीं मानेगा। वो कहेगा कल सुबह अगर मेरा ऑडिट हो गया, इंटरनल ऑडिटर्स आ गए, वो देखेंगे कि 10,000 कैश रिसीव हुआ बट मेरे पास 90,000 कैश एक्स्ट्रा है, मेरी एक्सप्लेनेशन रहेगी कैश कहां से आया आपके पास। सो बड़ा शोरूम कभी नहीं मानेगा, बड़ा शोरूम ये कहेगा कि ठीक है आज के दिन के ही मुझसे 3-4 अलग अलग बिल मतलब वाउचर बना के देता हूं कि मैंने पेमेंट आपको रिसीव की अभी 1 घंटे पहले, 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद ये कर दूंगा, बट डिफरेंट डेज पे मैं नहीं मान सकता क्योंकि हेड ऑफिस से इंस्पेक्शन हो गया मेरी नौकरी चली जाएगी। सो देयरफॉर जो आप कह रहे थे उस दिन वो पॉसिबल नहीं होता। सो वेयर असेसी इनकर्स एनी एक्सपेंडिचर बताइए, मेरा बिल है, बिल 1, 2, 3, 4, 5 9,000 ईच के बिल है, एक ही पार्टी से आए हैं, 9,000 ईच के बिल मैंने एक ही पार्टी से लिए हैं, डेट एक ही डेट है 1/1/21, मैं 45,000 कैश पे कर देता हूं, 43 लगेगा या नहीं लगेगा, एनी एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर इज 9,000 ईच। तो देखिएगा हम ऐसा करते हैं कि बिल्स 10,000 से कम के बनवा लेते हैं, फिर तो आप कहेंगे कि बड़ी आसानी से 40A3 डिफीट कर दूंगा, मैं सप्लायर से बोलूंगा बिल दिखा दे 9,000 रुपए के, पॉसिबल नहीं है। आज मैं एक मान लीजिए एप्पल की दुकान से मेरा फोन खराब हो गया, मैं उसका कोई स्पेयर पार्ट लेने जाता हूं, स्पेयर पार्ट मान लीजिए 25,000 रुपीज का है, तो क्या एप्पल का शोरूम आपको दिखा देगा मैंने उसे आपको 3 अलग अलग स्पेयर पार्ट बेचे हैं 8,000 8,000 9,000 टोटल 25,000? नो, वो कहेगा मेरी इन्वेंट्री मैच नहीं करेगी। तो छोटे मोटे दुकानदार से कुछ भी करा लीजिए आप, बट जहां ऑर्गेनाइज सेक्टर है वहां तो वो कहते हैं हमें जो भी बिल काटते हैं इन्वेंट्री में टैली करनी होती है। आज मैंने कोई बिल इशू किया आपको तो ऑटोमेटिक मेरा, आप कभी इस पे जाए ना किसी भी शोरूम में जाएं, कोई साइज का आपको कपड़ा नहीं मिल रहा, वो अपने कंप्यूटर में चेक करते कहते हैं इस शोरूम में बड़ा कपड़ा ये वाला साइज। तो जितना ऑर्गेनाइज सेक्टर होता है वो एक एक इन्वेंट्री की ट्रैकिंग करता है, एंड देयरफॉर इम्पॉसिबल है कि अगर आप एक स्पेयर पार्ट खरीद रहे हैं वोल्टा से एप्पल से 25,000 रुपए का, वो आपको 3 मिल देंगे, इम्पॉसिबल है। सो वेयर द असेसी इनकर्स एनी एक्सपेंडिचर इन रिस्पेक्ट ऑफ इट्स पेमेंट या फिर एग्रीगेट ऑफ पेमेंट्स मेड टू अ पर्सन इन अ डे अदरवाइज देन बाय अकाउंट पे चेक ड्रॉन ऑन अ बैंक अकाउंट पे बैंक ड्राफ्ट use of electronic clearing system through a bank account or through such, ये amendment आई फाइनेंस एक्ट 19 से, ये जो underline देख रहे हैं underline is the amendment by the finance act 19, इस पर rule आ गया है, rule अभी दिखाता हूं आपको, or through such electronic mode as may be prescribed।
तो आप पेमेंट कर सकते हैं अकाउंट पे चेक से, अकाउंट पे बैंक ड्राफ्ट से, क्लियरिंग्स इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम ऑफ अ बैंक, या फिर इलेक्ट्रॉनिक मोड्स एज बी प्रिस्क्राइब्ड एक्सीड 10,000 rupees, नो डिडक्शन शैल बी अलाउड इन रिस्पेक्ट ऑफ द एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर आपका पूरा डिसअलाउ कर दिया जाएगा। मेरा ट्रक वाला आया सामान लेकर, कहता जी मैं बैंक ड्राफ्ट नहीं लूंगा, इसलिए मुझे 30,000 कैश पे करना पड़ गया उसे, डिसअलाउ हो जाएगा या नहीं? क्यों नहीं होगा? ये कह रहे सरकमस्टेंसेस पे डिपेंड करता है, कोई सरकमस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता। लॉ में अमेंडमेंट आ गई थी, यहां पर लॉ में अमेंडमेंट आ गई थी बिकॉज इंडस्ट्री को ये प्रॉब्लम थी कि जहां मेरा कम माल आ रहा है, अगर रेगुलर माल आ रहा है तो ट्रांसपोर्टर कहता ठीक है चेक वगैरह दे दीजिए मुझे, बट जहां मेरा वन टाइम माल आ रहा है, कम माल आता है, वहां तो ट्रक वाला इंसिस्ट करता है जी मैं तो कैश लेके जाऊंगा, मुझे ड्राफ्ट समझ में नहीं आता, हो सकता है नकली ड्राफ्ट हो आपका, तो मेरा तो जो फेरी मीन्स जो आने जाने का मुझे मिलता है पैसा, वो कट जाएगा सारा। एंड देयरफॉर दिस लिमिट वॉज रेज टू 35,000। एक मिनट, नेक्स्ट पेज पे देखिए, द सेकेंड प्रोविजन, प्रोवाइडेड फर्दर देन इन केस ऑफ पेमेंट्स मेड फॉर प्लाइंग, हायरिंग, लीजिंग गुड्स कैरेजेस, ऑनली इन द वर्ड्स गुड कैरेजेस, द प्रोविजंस ऑफ 40A3 एंड 40A3 शैल अप्लाई एज इफ फॉर द वर्ड्स 10,000, 35,000 हैज बीन सब्स्टिट्यूटेड। सो अगर मैंने ट्रांसपोर्टर को पेमेंट किया 30,000 इन कैश, अलाउड। एक बस रखी मैंने जो मेरे एम्प्लॉयज को घर से लेके आती है, घर पे ड्रॉप करती है, उसे महीने का बिल आया 20,000, कैश पे कर दिया, अलाउड डिसअलाउड। वाई? ये गुड्स कैरेज के लिए। अगर पैसेंजर कैरेज के लिए दे रहे हैं तो लिमिट ऑफ 10,000 विल अप्लाई। बैंक स्ट्राइक हो गई, ये कह रहे हैं बैंक स्ट्राइक हो गई। और ये क्वेश्चन 100% इस बार एग्जाम में आएगा, कोविड में कोई एक्सेप्शन नहीं है, कैश की एक्सेप्शन नहीं है। मैंने क्यों बोला 100% ये क्वेश्चन आएगा, बैंक स्ट्राइक वाला भी बताता हूं आपको। इन्होंने बोला कि जिस दिन ट्रक वाला आया उस दिन बैंक बंद थे, ट्रक वाले को मुझे 50,000 पेमेंट करनी है, इसलिए मैंने कैश दे दिया उसे क्योंकि बैंक बंद थे। अभी आंसर करता हूं कि अलाउ होगा या डिसअलाउ होगा, अभी आंसर करता हूं। और ये अमेंडमेंट एग्जाम में 100% आएगी। इनफैक्ट जब ये मैंने मॉड्यूल बना दिया था, प्रिंटिंग में चला गया था, तो मुझे ध्यान आया कि कुछ हुआ है। बता दूं क्या, मैंने मॉड्यूल रुकवाया, चेंज कराया, और फिर 6 क्वेश्चन चेंज हो गए मेरे, 6 पास्ट क्वेश्चन चेंज हो गए, वो मैंने चेंज कराए और मेरी प्रिंटिंग कॉस्ट बच गई, अदरवाइज नेक्स्ट डे प्रिंटिंग शुरू हो गई थी इसकी। मैं इतना क्यों एम्फेसिस दे रहा हूँ अभी बताता हूँ। चलिए, एक क्वेश्चन आपने मुझसे पूछा था, आई थिंक यू रेस्ट, अगर पेमेंट कर रहे हैं एक्सीडिंग, लिख लीजिएगा एट द टॉप, ₹10,000 बाय क्रॉस चेक या बेयरर चेक, अलाउड क्यों होगी? ट्रांसपोर्टर की बात नहीं कर रहे हम, जनरल बात कर रहे हैं, ट्रांसपोर्टर की बात नहीं कर रहे हम। डिसअलाउ हो जाएगा ये, आई थिंक ये क्वेश्चन आपने रेज किया था, क्योंकि लॉ में लिखा है अकाउंट पे चेक। बताइए क्रॉस चेक में क्या फर्क होता है अकाउंट पे से?
अकाउंट पे मैं यहाँ अकाउंट पे ही लिखता हूँ VGN कंपनी। अगर मैंने अकाउंट पे ही लिख दिया तो अब VGN कंपनी ही इन कैश करा सकती है। बट अगर मैंने क्रॉस करके छोड़ दिया VGN कंपनी, तो अब मैं इस चेक को आगे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की तरह ट्रीट कर सकता हूं। मैं मिस्टर ए के नाम में ये चेक एंडोर्स कर सकता हूं। तो 40A3 लाने का लॉजिक ये है कि जिसको पेमेंट कर रहे हैं वो ट्रेसेबल होना चाहिए आपका, ताकि आपका फर्जी एक्सपेंडिचर बुक ना हो। अगर क्रॉस चेक है तो क्रॉस चेक तो एंडोर्स हो जाता है किसी भी फेवर में, एंड देयरफॉर अगर पेमेंट करते हैं बाय क्रॉस चेक बेरर चेक दैट विल बी डिसअलाउड अंडर 40A3। क्लियर है? आगे चलिए। मैंने 31 मार्च 2020 में एक्सपेंस टू एक्सपेंस पेबल किया 1 लाख, डिसलाउ गया या नहीं? पेबल है, कैश पेमेंट थोड़ी हुई है, डिसलाउ नहीं होगा। 31 मार्च 2023 में मैंने कैश पे कर दिया एक्सपेंस पेबल टू कैश, क्या होगा? डिसलाउ हो जाएगा। किस साल में? 23 में डिसला होगा। एक मिनट सोचिए, 23 के अकाउंट्स में क्या डेबिट आ रहा होगा मेरा? 23 की बैलेंस शीट में तो मेरा एक्सपेंस पेबल आ रहा होगा। मैंने एंट्री डाली होगी एक्सपेंस पेबल टू कैश, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे तो इंपैक्ट आया ही नहीं मेरा, तो क्या हम इस साल को खोल के डिसलाउ करेंगे? जल्दी बताइए। अगर रिटर्न रिवाइज करने का टाइम बचा हुआ, देन लॉ में अमेंडमेंट आई, एक सेक्शन लेके आए 40A3A कि आपने एक्सपेंस किया पेबल बेसिस पर अलाउ किया और नेक्स्ट ईयर में आप पेमेंट कर देते हैं इन एक्सीडिंग ₹10,000 टू अ पर्सन इन अ डे और एग्रीगेट पेमेंट्स मेड टू अ पर्सन इन अ डे एक्सीडिंग 10,000। तो जिस साल में आपने पेमेंट की इन कैश एक्सीडिंग 10,000, उस साल की इनकम डीम कर लेंगे अंडर द हेड PGBP। तो अब ये 1 लाख मेरी 31 मार्च 2023 की PGBP इनकम बन जाएगा। सो अगर आपने एक्रुअल बेसिस पर एक्सपेंस अलाउ करा लिया और बाद में आपने नेक्स्ट ईयर में पेमेंट कर दी एक्सीडिंग 10,000 अदरवाइज देन अकाउंट पे चेक एटसेट्रा, तो जिस साल में आपने पेमेंट किए कैश में, उस साल की वो इनकम बन जाएगी अंडर सेक्शन 40A3A अंडर द हेड PGBP। पहले क्या करते थे, पहले इस साल का केस खोलकर रेक्टिफाई करते थे और उससे AO को बहुत दिक्कत होती थी, पुराने साल खोलने पड़ते थे, इंटरेस्ट वगैरह रिकम्प्यूट करने पड़ते थे, टैक्स अलग से निकालना पड़ता था, बड़ी सारी दिक्कतें होती थी। 40A3A वेयर एन अलावेंस हैज बीन मेड इन द असेसमेंट फॉर एनी ईयर, जैसे 31 मार्च 2020 में मुझे 1 लाख का एक्सपेंस अलाउ गया पेबल बेसिस पर, इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी लाइबिलिटी इनकर्ड बाय द असेसी फॉर एनी एक्सपेंडिचर, यानी पेबल बेसिस पर मुझे अलाउ हो गया, एंड सब्सिक्वेंटली ड्यूरिंग एनी प्रीवियस ईयर, सब्सिक्वेंट ईयर में क्या हुआ, द असेसी मेक्स पेमेंट इन रेस्पेक्ट देयर ऑफ अदरवाइज देन बाय अकाउंट पे चेक ड्रॉन ऑन अ बैंक अकाउंट पे बैंक ड्राफ्ट यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम टू बैंक अकाउंट और थ्रू सच इलेक्ट्रॉनिक मोड एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, या अमेंडमेंट थी फाइनेंस एक्ट 19 की, द पेमेंट सो मेड शैल बी डीम्ड टू बी द प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस प्रोफेशन एंड अकॉर्डिंगली चार्जेबल टू इनकम टैक्स एज इनकम ऑफ द सब्सिक्वेंट ईयर इफ द पेमेंट और एग्रीगेट ऑफ पेमेंट्स मेड टू अ पर्सन इन अ डे एक्सीड ₹10,000। क्लियर है? अच्छा, अब नेक्स्ट प्रोविजन में लिखा, मैं पढ़ नहीं रहा, नेक्स्ट प्रोविजन में लिखा हुआ है कि हम 40A3 में डिसलाउंस नहीं करेंगे, हम 40A3 में डिसलाउंस नहीं करेंगे और ना ही हम 40A3A में इनकम मानेंगे।
अगर आपने पेमेंट किया एक्सीडिंग 10,000 इन कैश, इन केसेस में, उन केसेस में, उन सर्कमस्टांसेस में जो बोर्ड प्रिस्क्राइब करेगा, हैविंग रिगार्ड टू द नेचर एक्सटेंट ऑफ बैंकिंग फैसिलिटीज कंसिडरेशन ऑफ बिजनेस एक्सपीडियंसी एंड अदर रेलेवेंट फैक्टर्स, यानी बोर्ड बताएगा कि आपको 40A3 और 40A3A नहीं लगाएंगे हम, इवन इफ यू मेक कैश पेमेंट एक्सीडिंग ₹10,000। और ये एक्सेप्शंस कहां दिए हैं? रूल 6DD में दिए हैं। अभी पढ़ते हैं रूल 6DD। एग्जाम में इस रूल में से कुछ ना कुछ एग्जामिनर जरूर पूछता है। एग्जाम में जो 15 मार्क्स क्वेश्चन होता है उसमें रूल 6DD से एग्जामिनर हर एग्जाम में कुछ ना कुछ जरूर पूछता है। फटाफट देखिए, 40A3 अट्रैक्ट होगा अगर असेसी इन करता एक्सपेंडिचर पेमेंट एग्रीगेट पेमेंट्स मेड टू अ पर्सन इन अ सिंगल डे एक्सीडिंग 10,000 इज अदरवाइज देन बैंकिंग चैनल्स, और ट्रांसपोर्टर ऑफ गुड्स के लिए पेमेंट करेंगे तो 10,000 की जगह 35,000 है। अब रूल 6DD है, अच्छा एक मिनट, एक फाइनेंस एक्ट 19 की अमेंडमेंट थी कि आप पेमेंट कर सकते हैं थ्रू सच अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड्स एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। पेज 174, पेज 174, ये लॉ ने रूल प्रिस्क्राइब कर दिया। इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड्स रूल 6ABBA इसी साल नोटिफाई हुआ है कि फॉलोइंग शैल बी द अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड्स फॉर वेरियस सेक्शंस। में देखिए 40A3 भी आ रहा है, 40A3A भी आ रहा है। कौन कौन से हैं ये? क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, IMPS, UPI, RTGX, NEFT एंड भीम। करेक्ट, वापिस आ जाइए। रूल पेज 172 आपका रूल 6DD है, जहां आप पेमेंट्स कर सकते हैं इन कैश इन द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस, और इसको हम वॉयलेशन नहीं मानेंगे, ना ही 40A3 लगाएंगे, ना ही 40A3A लगाएंगे। इसमें ABCDEFGHIJ, जे इस बार डिलीट हो गया है, जे इस बार डिलीट हो गया है। तो पहले लॉ अलाउ करता था आपको कि जिस दिन बैंक बंद हैं बिकॉज ऑफ हॉलिडे, कोविड, स्ट्राइक एटसेट्रा, उस दिन आप पेमेंट कैश में कर सकते हैं। ये एक्सेप्शन डिलीट हो गई है, ये एक्सेप्शन डिलीट हो गई है। सो इसकी वजह से 6 questions मेरे चेंज हुए पास्ट ईयर्स के, 6 questions में ये पूछा हुआ था और हमने अलाउ किया हुआ था, बट अब क्या होगा? इल बी डिसअलाउड। आई थिंक क्वेश्चन 81 है, पहला 81 या 82 था, देखिए जहां तक मुझे याद है 81 थे। पेज 352 पर देखिए क्वेश्चन 87 है। यहां देखिए क्या एडजस्टमेंट्स हैं,
first, second, third, the company has made cash payment for purchases and expenditure as below. 4,621, 2 lakh due to strike by the bank staff. तो देखिए पहले रूल 6 DDJ में एक एक्सेप्शन होता था क्लॉज जे, जहां बैंक बंद है उस वजह से आप पेमेंट कर रहे हैं तो आपको अलाउ कर देते थे, बट वो एक्सेप्शन अब डिलीट हो गई तो अब ये 2 लाख डिसअलाउ हो जाएगा. ऑन 5,621 4 लाख ड्यू टू कैश डिमांडेड बाय द सप्लायर, ये भी डिसअलाउ होगा, एक्सेप्शन में नहीं आता रूल 6 DD. 1 लाख हाफ ईयरली क्लोजिंग फॉर बैंक, अ बैंक हॉलीडे, सो रूल 6 DD में वो एक्सेप्शन हट गया एंड देयरफॉर 2 + 4 + 1 7 लाख आपका डिसअलाउ हो जाएगा. पेमेंट मेड टू ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर फॉर हायरिंग ऑफ लॉरी एज फॉलोज, 7,521,50,000 डिसअलाउ हो जाएगी, 35,000 से ऊपर है. 8,122,78,000 डिसअलाउ हो जाएगी, 35,000 से ऊपर है, और ये आपको अलाउ हो जाएगी बिकॉज 35,000 से नीचे है. तो एक तो ये 7 लाख डिसअलाउ होगा और एक 1,25,000 डिसअलाउ होगा. नेक्स्ट पेज पर आंसर देखिएगा, जहां हमने 40A3 में ये 7 लाख डिसअलाउ किया और ये 1.25 लाख डिसअलाउ किया. आ जाइए, सो सबसे पहले तो अमेंडमेंट इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए. पेज 174 पे क्लॉज ये डिलीट हो गया है. सो अगर आप पेमेंट करते हैं ऑन अ डे ऑन विच द बैंक्स वर क्लोज ऑन अकाउंट ऑफ हॉलिडे और स्ट्राइक और ईयरली क्लोजिंग हाफ ईयरली क्लोजिंग, सब केस में डिसअलाउड है. बताइए ऐसा इन्होंने क्यों डिलीशन की होगी. हर असेसी करता था, कहता था कि अगर बिल बैंक हॉलिडे से पहले का भी है, कहता था पेमेंट लेने बैंक हॉलिडे वाले दिन आया था, ये मुझे देनी पड़ गई. और ऑडिटर्स फॉर्म 3 से डिक्वालीफाई नहीं करते थे इस वजह से, एंड देयरफॉर इन्होंने क्लॉज ये ही हटा दिया. वापस आ जाइएगा पेज 173, एक्सेप्शन है रूल 6 DD के, जहां पेमेंट कर रहे हैं आप RBI को या किसी बैंकिंग कंपनी को, SBI, सबसी बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, लैंड मॉर्गेज बैंक, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी, प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी, LIC वगैरह. सो ये बेसिकली सारी गवर्नमेंट ओन इंस्टीट्यूशंस को पेमेंट कर रहे हैं, अलाउ हो जाएगा. मेरा लोन पर इंटरेस्ट बना 2 लाख रुपए का, मैंने कैश में जमा कर दिया, लोन पर मेरा इंटरेस्ट बना 2 लाख का, मैंने बैंक को जमा कर दिया, अलाउ डिसअलाउ? अलाउ. क्यों? मैंने बैंक ऑफ अमेरिका को पे कर दिया, क्यों डिसअलाउ? इट्स इज एनी बैंकिंग कंपनी. नहीं, इंडिया से बाहर तो कैश पे ही नहीं कर सकते आप. हम कह रहे हैं बैंक ऑफ अमेरिका जो इंडिया में है उसकी बात कर रहे हैं हम. इंडिया से बाहर कैश थोड़ी भेज सकते हैं. तो यहां पर इंटरेस्ट बैंक कैश में पे किया, अलाउ हो जाएगा आपको? मैंने सेल टैक्स GST RBI में जमा कर दिया कैश में, अलाउड है. सो अगर आप बैंक में पेमेंट कर रहे हैं या RBI को पेमेंट कर रहे हैं, LIC को पेमेंट कर रहे हैं, दैट इज अलाउड. बी, वे द पेमेंट इज मेड टू द गवर्नमेंट, मैंने GST जो मेरा इस महीने का बना RBI में जमा कर दिया, इनका एक और क्वेश्चन सुनिए, इनका एक और क्वेश्चन सोचिए, सुनिए. अच्छा क्वेश्चन है, आपको समझ में नहीं आएगा. अच्छा क्वेश्चन है, समझ में नहीं आएगा आपको. ये कह रहे हैं GST तो एक्सपेंस होता ही नहीं है मेरा, ये कह रहे हैं GST तो मेरा एक्सपेंस होता ही नहीं है, वो तो मेरी लाइबिलिटी होती है. आपसे नेक्स्ट क्लास में बात करूंगा इस पर. अरुण जेटली साहब स्पेसिफिक सेक्शन लेके आए 145A में, देखेंगे.
देखिए क्वेश्चंस पूछे मैं आंसर नहीं कर पा रहा, बट आप देखिए उस दिन क्रॉस चेकअप पूछे थे आप लोग, आंसर हो गया आपका, पेमेंट मेड ऑन डिफरेंट डेज वाला आंसर हो गया, सब कुछ आंसर हो जाएगा बट एट द राइट टाइम। तो अभी इन्होंने क्वेश्चन रेज किया कि सर जीएसटी तो एक्सपेंस ही नहीं होता, अभी बताऊंगा ये नेक्स्ट क्लास बताऊंगा ये कौन सी अकाउंटिंग एंट्री की बात कर रहे हैं और क्या वो अकाउंटिंग एंट्रीज पॉसिबल है या नहीं, उस पर टैक्स ऑडिट में भी क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। जब पेमेंट कर रहे हैं आप गवर्नमेंट को एंड अंडर द रूल्स फ्रेम बाय इट द पेमेंट इज रिक्वायर्ड टू बी मेड इन लीगल टेंडर। व्हाट इज लीगल टेंडर? कैश। कैश लीगल टेंडर मींस कैश। तो जहां पेमेंट आपको गवर्नमेंट को करनी पड़ रही है और गवर्नमेंट कहती है हम पेमेंट सिर्फ कैश में लेंगे, वो अलाउ हो जाएगा। विद अ पेमेंट इज मेड बाय एलसी लेटर ऑफ क्रेडिट थ्रू अ बैंक, टेलीग्राफिक ट्रांसफर थ्रू अ बैंक, बुक एडजस्टमेंट फ्रॉम वन अकाउंट इन अ बैंक टू अनदर अकाउंट इन दैट और एनी अदर बैंक, बिल ऑफ एक्सचेंज मेड पेबल टू अ बैंक। डी देखिएगा, डी पर एग्जाम्पल लिख लीजिए, डी पर एग्जाम्पल लिख लीजिए, क्लॉज डी पर स्टार लगाइए। असेसी ने अपनी बुक्स में एंट्री डाली, डेटर टू सेल्स 1 लाख, 1 लाख डेटर है मिस्टर एक्स, कोई एक्सपेंस इनकर किया 90,000 का जिसकी पेमेंट करनी है एक्स को ही पेमेंट करनी, यानी एक्स मेरा क्या है, क्रेडिटर भी है, और मैंने क्या किया, क्रेडिटर एक्स डेबिट कर दिया, डेटर एक्स क्रेडिट कर दिया, there'll be no disallowance, clause D पढ़ लीजिएगा। clause D पढ़िएगा, वो तो देखेंगे 10,000, तो 10,000 का हो गया, तो 90,000 का मेरा एक्सपेंस था, मैंने सेट ऑफ कर दिया, अब डेटर से मैं 10,000 रुपये रिसीव कर लूंगा। यानी आपने क्या किया है, जिसको पेमेंट करनी है उसे पेमेंट लेनी भी है, दोनों को आपस में सेट ऑफ कर दिया, ऑल दो ये पेमेंट क्रॉस चेक सॉरी अकाउंट पे चेक से नहीं हो रही, बैंकिंग चैनल से नहीं हो रही, फिर भी हम एक्सेप्शन में अलाउ कर रहे हैं आपको। पॉइंट नंबर डी, वे पेमेंट इज मेड बाय वे ऑफ एडजस्टमेंट अगेंस्ट the amount of any liability incurred by the payee for any goods supplied or services rendered by the assessee to such payee. Clause E important mark kariyega. Where the payment is made for purchase of agriculture or forest produce. Maine payment ki hai agriculture or forest produce purchase karne ke liye. Ek hotel hai. Wo वेजिटेबल डीलर से एग्रीकल्चर प्रोड्यूस खरीदता है, एक डीलर है वेजिटेबल का, उससे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस टमेटोस पोटैटोस वगैरह खरीदता है और 1 लाख की कैश पेमेंट कर देता है। अलाउड डिसअलाउड? डिसअलाउड। अभी हम पूरा सेंटेंस पढ़ेंगे तब समझ में आएगा क्यों डिसअलाउड है, एंड तक पढ़ेंगे तब समझ में आएगा, एंड मैंने हाईलाइट किया हुआ है। With the payment is made for the purchase of agricultural or forest produce or produce of animal husbandry including livestock, meat, hides, skins, dairy, poultry farming or fish products or products of horticulture, apiculture, exemption tab hai agar aap payment kar rahe hain to the cultivator, grower, producer of such articles produce or products.
सो एग्जेम्पशन तब है, यानी रूल 63 तब लगेगा, 483 तब नहीं लगेगा, अगर आप पेमेंट कर रहे हैं डायरेक्ट कल्टीवेटर, पेमेंट कर रहे हैं ग्रोअर को, पेमेंट कर रहे हैं प्रोड्यूसर को इन आर्टिकल्स के, इन दैट केस कैश पेमेंट इज अलाउड। आज ITC पूरे वर्ल्ड में फेमस हो गए, क्यों? कौन सा कंसेप्ट ITC का? चौपाल, चौपाल। ITC ने क्या किया, हर गांव में एक लैपटॉप कंप्यूटर लगा दिया और एक आदमी बिठा दिया कि वो, क्योंकि गांव वाले ऑपरेट नहीं कर पाते, अपना एक आदमी बिठा दिया कि लैपटॉप ये ऑपरेट करेगा। और गांव में जितना चावल गेहूं आता है, आज आप देखिए ITC का आशीर्वाद आटा वर्ल्ड फेमस हो गया है। आप सिंगापुर, दुबई, किसी भी स्टोर में चले जाइए, आशीर्वाद आटा की डिमांड होती है। तो ITC डायरेक्ट फार्मर से चौपाल में जो सिस्टम रखा है, फार्मर से कहते हैं बिडिंग कर दीजिए और हम आपसे डायरेक्टली परचेज कर लेंगे, ताकि मिडल मैन सारा खत्म हो गया, सीधा फार्मर को पेमेंट मिल गई एंड फार्मर बिकम रिच। बिकॉज इंडिया में ट्रेजेडी क्या है कि 2 रुपए किलो आलू चलता है फार्मर से, बिकता है 20 रुपए, 18 रुपए बीच में खा जाते लोग। ITC ने कहा मिडल मैन सारे एलिमिनेट कर रहे हैं। अब ITC गेहूं चावल खरीदती है डायरेक्ट इस फार्मर से, कैश पे करती है, अलाउड डिसअलाउड, अलाउड, कल्टीवेटर को पे कर रही है। इसी तरह 5-स्टार होटल्स अगर बताइए मीट खरीद रहे हैं बचर से, बचर जो कसाई होता है, कैश पे करे, अलाउड डिसअलाउड, अलाउड, बिकॉज प्रोड्यूसर है वो। बट अगर 5-स्टार होटल किसी मिडलमैन या मार्केट से खरीद रहा है, कैश पे कर रहा है, तो डिसअलाउ हो जाएगा। 5-स्टार होटल एक्स खरीदता है पोल्ट्री फार्म से, महीने में एक बिल आता है 1 लाख रुपए का, कैश पे कर देता है, अलाउड डिसअलाउड, अलाउड, प्रोड्यूसर है एक्स का। तो जहां पेमेंट कर रहे हैं परचेज ऑफ एग्रीकल्चर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, प्रोड्यूस ऑफ एनिमल हस्बेंड्री इंक्लूडिंग लाइव स्टॉक, मीट, हाइड, स्किन, डेयरी, पोल्ट्री फार्मिंग, अमूल, फिश, फिश प्रोडक्ट्स, फिश, फिश प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स ऑफ हॉर्टिकल्चर, एपिकल्चर, एग्जेप्शन तब है अगर आप पेमेंट कर रहे हैं डायरेक्टली टू कल्टिवेटर, प्रोड्यूसर, ग्रोअर, अगर कोई मिडिल मैन है तो एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। इधर देखिएगा प्लीज, पतंजलि, नहीं नहीं पतंजलि क्या कर रहा है, अगर पतंजलि ग्रो कर रहा है और मैं डायरेक्ट पतंजलि से परचेज कर रहा हूं ये वाली चीजें, बट ये चीजें पतंजलि से नहीं बेच रहा, नहीं 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 नहीं, अगर एलोवेरा ऑयल खरीद रहे हैं आप, वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस थोड़ी है, वो तो उन्होंने तेल निकाला है एलोवेरा प्लांट से। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये तो ये कर रहे हैं कि ताकि ITC से कंपनी डायरेक्ट फार्मर से खरीद सके, 5-स्टार होटल सीधा फार्मर से ताजी सब्जियां खरीद सके और फार्मर्स को कैश मिल रहा है, डिस्लाउंस नहीं कर रहे, ठीक है, एक तरह से फार्मर्स के लिए इंसेंटिव दिया गया यहां पर। इधर देखिएगा प्लीज, एक क्वेश्चन जो 3 बार एग्जाम में आ चुका है, एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है ये जो होता है ना सी में, जो सी एनिमल्स लाइक फिश, प्रॉन्स, इनका एक्सपोर्ट होता है सी फूड, सी फूड, तो सी फूड का इंडिया एक बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है, जहां एक्सपोर्ट्स जो मुझे लास्ट फिगर याद है वो है अराउंड 30,000 करोड़ की एक्सपोर्ट है ऑफ द सी फूड। अब होता क्या है, ध्यान से सुन लीजिएगा, होता क्या है, ये सब कुछ एग्जामिनर ने पूछा हुआ है 3 बार, होता क्या है कि एक छोटा मछुआरा फिशरमैन अपने नाव लेके समुद्र में जाता है, फिश पकड़ के लाता है, फिश पकड़ के लाता है, जब किनारे पर आ जाता है तो जो एक्सपोर्ट हाउसेस होते हैं उनके आदमी आ जाते हैं, एक्सपोर्ट हाउसेस इनके आदमी आ जाते हैं, और ये जो फिश पकड़ के लाया फिशरमैन उससे फिश खरीदेंगे। बट होता क्या है, एक सी कोस्ट पर
500-600 मछुआरे बैठे हुए हैं। अब ये एक्सपोर्ट हाउस हर मछुआरे से किलो किलो करके मछली थोड़ी खरीदेगा, तो क्या होता है, इन मछुआरों का एक हेड मछुआरा होता है, लीडर, एक हेड मछुआरा होता है। वो क्या कहता है, समुद्र के किनारे पर बैठकर, समुद्र के किनारे बैठकर तोल कर वे करके छोटे छोटे फिशरमैन से फिश वगैरह खरीद लेता है और फिर इस एक्सपोर्ट हाउस को बेच देता है। और फिशरमैन भी ये चाहते हैं, बिकॉज ये जो हेड मछुआरा है इसके पास टन्स ऑफ फिश है, तो एक्सपोर्ट हाउस से नेगोशिएट बेटर कर पाएगा, जबकि एक छोटे फिशरमैन को तो एक्सपोर्ट हाउस दबा देगा। एंड देयरफॉर पूरी इंडिया में ये चलता है कि हर सी कोस्ट पर एक हेड मछुआरा बैठा होता है, हेड इनका, जो छोटे मछुआरे होते हैं सारी मछलियां वगैरह पकड़ के लाके इसको दे देते हैं तोल के हिसाब से, और ये फिर एक्सपोर्ट हाउस को बेचकर कैश आता है, कैश मछुआरों को बांट देता है। और ये पूरे साल में जो कैश पेमेंट्स हैं थाउजेंड्स ऑफ करोड़ में जाती हैं। एओ ने क्या किया होगा एक्सपोर्ट हाउसेस के केस में, डिसअलाउंस कर दिए। एओ ने एक्सपोर्ट हाउसेस केस में डिसअलाउंस कर दिए, कहा कि आप तो हेड मछुआरे से मछली खरीद रहे हैं, डायरेक्ट मछुआरे से थोड़ी खरीद रहे हैं। एंड एओज ने सभी एक्सपोर्ट हाउसेस जो फिशेस इस तरह से प्रिक्योर करते थे, और हर एक्सपोर्ट हाउस इस तरह से फिश लेता है, उन सब के केस में डिसअलाउंस कर दिए। एंड एक्सपोर्ट हाउसेस वर वेरी अनहैप्पी कि हमारा तो ट्रेड ही खराब हो जाता है, बिकॉज सिर्फ यही तरीका है हमारा ट्रेड का और सालों साल से चलता आ रहा है। एंड देयरफॉर गवर्नमेंट को इंटरवीन करना पड़ा। दूसरी बात, एओ कहता है जी आपके लिए एक्सेप्शन सिर्फ किस में है, फिश प्रोडक्ट। ये जो था ना किरम फिश, और क्या होते हैं जो मतलब केकड़ा, प्रॉन्स वगैरह, जो मछुआरा पकड़ के लाया वो ना तो फिश है ना फिश प्रोडक्ट है। तो एओ कहता है मैं एक्सेप्शन लगाऊंगा सिर्फ फिशेस पर, जो बाकी फिश सी फूड है लाइक प्रॉन्स वगैरह उस पर मैं एक्सेप्शन नहीं लगाऊंगा। एंड गवर्नमेंट हैड टू इंटरवीन, एंड गवर्नमेंट ब्रॉट आउट अ सर्कुलर, पेज 174 सर्कुलर नंबर 10 देखिएगा। पहले पैरा में ये कह रहे हैं कि हमें रिप्रेजेंटेशंस मिली हैं। अच्छा एक मिनट देखिए, पैरा वन में वन नहीं डाला हुआ, यही स्टाइल होता है गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट सर्कल का जो पैरा वन होती है उसे नंबर नहीं डालती है, टू को नंबर टू देती है। अब वैसे बता रहा हूं आपको, सो पैरा वन को पैरा वन नहीं डालते हैं, ऐसे लिखते हैं फिर नंबर टू करते हैं, स्टाइल होता है शुरू से, बता रहा हूं आपको। वन में कह रहे हैं रिप्रेजेंटेशन आई हमारे पास 40A3 के लिए। नंबर टू में कह रहे हैं कि अगर कोई कैश पेमेंट होती है एक्सीडिंग 10,000 तो वो डिसअलाउ हो जाती है 40A3 में। नेक्स्ट पेज 175 वो कहते हैं डिसअलाउंस नहीं होती अगर पेमेंट कर रहे हैं आप किसको, प्रोड्यूसर को, फॉर द परचेज ऑफ फिश और फिश प्रोडक्ट्स अंडर रूल 60D। अब देखिए पॉइंट 3 और 4 इंपॉर्टेंट है। द फॉलोइंग क्लैरिफिकेशन आर देयरफॉर इश्यूड फॉर द प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन ऑफ रूल 60D। द एक्सप्रेशन फिश और फिश प्रोडक्ट यूज्ड इन रूल 60D क्लॉज E3 वुड इंक्लूड अदर मेरीन प्रोडक्ट लाइक श्रिम्प, प्रॉन, कटल फिश, स्क्विड, क्रैब, लॉबस्टर एटसेट्रा। तो पहली बात तो ये क्लैरिफाई की कि फिश प्रोडक्ट्स में सारे ये सी प्रोडक्ट्स आते हैं लाइक दिस प्रॉन्स, कटल फिश, श्रिम्प, क्रैब, लॉबस्टर एटसेट्रा। नंबर टू, द प्रोड्यूसर ऑफ फिश और फिश प्रोडक्ट्स फॉर द पर्पस ऑफ रूल 60D ऑफ द इनकम टैक्स रूल्स वुड इंक्लूड बिसाइड्स द फिशरमैन, यानी फिशरमैन तो प्रोड्यूसर है ही, एनी हेडमैन जो हेड मछुआरा है, एनी हेडमैन ऑफ द फिशरमैन हु सॉर्ट्स आउट द कैच ऑफ द फिश ब्रॉट बाय द फिशरमैन फ्रॉम द सी एट द सी शोर इटसेल्फ,
यानी प्रोड्यूसर में हेड मछुआरा भी आएगा अगर वो सॉर्टिंग कहां पर कर रहा है, समुद्र के किनारे ही कर रहा है. एंड सेल्स द फिश और फिश प्रोडक्ट्स टू ट्रेडर्स एक्सपोर्टर्स एटसेट्रा. यानी अगर एक्सपोर्ट हाउसेज हेड मछुआरे से भी खरीदेंगे, कैश पेमेंट करेंगे, तो ये माना जाएगा प्रोड्यूसर से खरीदिए, डिसलाउस नहीं होगा. और फिश प्रोडक्ट्स में अदर सी फूड भी आ जाएंगे. नंबर 4, इट इज फर्दर क्लैरिफाइड एट द अबव एक्सेप्शन विल नॉट बी अवेलेबल ऑन द पेमेंट मेड फॉर द परचेज ऑफ फिश और फिश प्रोडक्ट्स फ्रॉम अ पर्सन हु इज नॉट प्रूव्ड टू बी द प्रोड्यूसर ऑफ दिस गुड्स एंड इज ओनली अ ट्रेडर, ब्रोकर और एनी अदर मिडल मैन बाय वॉट एवर नेम कॉल्ड. करेक्ट, वापिस आ जाइए. क्लॉज एफ जी कोई खास नहीं है. विद अ पेमेंट इज मेड फॉर परचेज ऑफ प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर्ड और प्रोसेस विदाउट द एड ऑफ पावर. अनलाइन द वर्ड विदाउट द एड ऑफ पावर. अनलाइन द वर्ड विदाउट द एड ऑफ पावर. इन अ कॉटेज इंडस्ट्री टू प्रोड्यूसर ऑफ सच प्रोडक्ट्स. तो कॉटेज इंडस्ट्री जहां पावर यूज नहीं हो रहा, यानी कि हाथ से काम कर रहे हैं, हाथ से काम कर रहे हैं, वहां प्रोड्यूसर से कपड़ा खरीदते हैं. इन दैट केस पेमेंट कैन बी मेड इन एक्सेस ऑफ 10,000 बाय कैश. नेक्स्ट देखिएगा, वेयर द पेमेंट इज मेड इन अ विलेज और टाउन विच ऑन द डेट ऑफ सच पेमेंट इज नॉट सर्व्ड बाय एनी बैंक. तो आप पेमेंट करें एक ऐसे गांव में जहां पर बैंक नहीं है. आगे पढ़िए, आगे क्या लिखा है. पेमेंट कर रहे हैं किसको, एनी पर्सन हु ऑर्डिनरली रिजाइड्स और इज कैरिंग ऑन द बिजनेस प्रोफेशन इन एनी सच विलेज और टाउन. क्लियर. नेक्स्ट, देखिए पॉसिबल नहीं होता विलेज में बिजनेस सेटअप करेंगे, जीएसटी नंबर लेना पड़ जाएगा. अब तो जीएसटी में तो हजार मतलब इश्यूज होते हैं. जीएसटी का क्रेडिट तब मिलता है जब वो एड्रेस रजिस्टर्ड हो, वहां सप्लाई हो, वो सब चीजें हो. मैं एक बात बताता हूं, जैसे कि मेरा जीएसटी नंबर झंडे वालन के एड्रेस पर है, मैंने कुछ गुड्स मंगाई घर के एड्रेस पर और जीएसटी इनवॉइस ले ली, एड्रेस था घर का, इस बेसिस पर जीएसटी क्रेडिट मुझे डिसलाउ हो गया कि पॉइंट ऑफ सप्लाई शुड बी द रजिस्टर्ड एड्रेस. वो चीज पॉसिबल नहीं है जो आप कह रहे हैं. ठीक है, ओके. देखिए आगे बढ़ते हैं प्लीज, जहां टाइम लगाना होगा लगाएंगे प्लीज. आप देखिए, मैं रूल 6DD में एक घंटा लगा रहा हूं, कोई वजह होगी जो लगा रहा हूं. बताइए, मैं कैश में सैलरी पे कर सकता हूं या नहीं? नहीं कर सकते, 10,000 पर नहीं कर सकते. बट क्लॉज एच पढ़िए क्या कह रही है. वेयर एनी पेमेंट इज मेड टू एन एम्प्लॉय ऑफ द सेसी और द लीगल हेयर ऑफ सच एम्प्लॉय और ऑन इन कनेक्शन विद द रिटायरमेंट. अंडरलाइन द वर्ड रिटायरमेंट, रिट्रेंचमेंट, रेजिग्नेशन, डिस्चार्ज, डेथ ऑफ सच एम्प्लॉय ऑन अकाउंट ऑफ वॉट, ग्रेचुटी, रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन, सच अदर टर्मिनल बेनिफिट्स एंड द एग्रीगेट ऑफ सच sums payable to the employee or his legal heir does not exceed ₹50,000. मैंने अपने employee को bonus दे दिया 40,000 रुपए का, disallowed. ये सिर्फ कब है, अगर employee छोड़कर जा रहा है या उसको मैंने नौकरी से निकाल दिया है या उसकी death हो गई है, इस तरह के circumstances. और क्या pay कर रहा हूं मैं, terminal benefits like gratuity, retrenchment compensation और इस तरह के टर्मिनल बेनिफिट्स एंड द पेमेंट डज नॉट एक्सीड ₹50,000. व्हाट इफ द पेमेंट इज ₹60,000, डिसअलाउड. पूरा 60 डिसअलाउ हो जाएगा, पूरा 60 डिसअलाउ हो जाएगा. सो 50,000 तक आप पे कर सकते हैं टर्मिनल बेनिफिट्स ओनली इन केस ऑफ एम्प्लॉय जब छोड़ के जा रहा है, डेथ हो गई, रिट्रेंचमेंट वगैरह. क्या
क्या मिलता है? हाँ नहीं नहीं अगर एम्प्लॉय छोड़ के जा रहा है, आप एक महीने बाद भी पेमेंट दे रहे हैं और इस तरह की पेमेंट है तो कवर्ड है 50,000 तक। नेक्स्ट नेक्स्ट आपको लास्ट एग्जाम में आया क्वेश्चन क्लॉज नंबर आई। मैंने आप मेरे एम्प्लॉय है, सुनिए प्लीज, आप मेरे एम्प्लॉय हैं, मैंने आपकी पोस्टिंग कर दी एक शिप पर या एक ऐसी सिटी में जहां एक ऐसी सिटी में जहां बैंक अकाउंट नहीं है आपका, और मैं आपको सैलरी पे कर रहा हूं 1,00,000 पर मंथ, 2 महीने की पे की है, TDS काट लिया है बट कैश पे कर दिया। पढ़िए क्लॉज आई, क्लॉज आई, वे द पेमेंट इज मेड बाय द असेसी बाय वे ऑफ सैलरी टू हिज एम्प्लॉय आफ्टर डिडक्टिंग द TDS। सो कंडीशंस हैं, TDS डिडक्ट होना चाहिए एंड एम्प्लॉय की परमानेंट पोस्टिंग नहीं होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? टेम्प्रेरी पोस्टिंग होनी चाहिए। कितनी? 15 डेज और मोर। कौन से प्लेस पर? इन अ प्लेस अदर देन नॉर्मल प्लेस ऑफ हिज ड्यूटी, या फिर शिप पर पोस्टिंग करे एंड ही डज नॉट मेंटेन एनी अकाउंट विद एनी बैंक एट सच प्लेस और शिप। पेमेंट की आपने बैंक जिस दिन बंद है, डिसअलाउड, डिसअलाउड। मैंने 6 क्वेश्चंस चेंज किए हैं। एल एल इधर देखिए, मैं एक मनी चेंजर हूं, ऑथराइज डीलर हूं, आप फॉरनर हैं, आप डॉलर्स लेके आए, मैंने डॉलर्स खरीद लिया आपसे, 2,00,000 कैश पे कर दिया। मेरे लिए डॉलर्स क्या है? परचेजेस हैं एंड देयरफॉर 48 लग जाएगा, 48 लगेगा। जब किसी दूसरे को मैं डॉलर सेल करूंगा तो सेल दिखाऊंगा वो। सो फॉर अ मनी चेंजर डॉलर इज स्टॉक एंड ट्रेड, उसको 48 लग जाएगा एंड देयरफॉर ऑथराइज डीलर के रिक्वेस्ट पे लेके आए क्लॉज नंबर एल। वे द पेमेंट इज मेड बाय एन ऑथराइज डीलर और अ मनी चेंजर अगेंस्ट परचेज ऑफ फॉरेन करेंसी और ट्रेवलर्स चेक इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ हिज बिजनेस, क्लॉज के पर स्टार लगा दीजिए, लिख लीजिए क्लॉज के क्या है। क्लॉज के है असेसी जो है पेमेंट करे अपने एजेंट को और जो एजेंट है वो पेमेंट कर रहा है इन सर्कमस्टांसेस ऑफ रूल 6DD। तो यानी असेसी अपने एजेंट को कैश पे कर रहा है और एजेंट आगे कैश पे कर रहा है इन द सर्कमस्टेंसेस गिवन इन रूल 6DD, तो भी डिसअलाउंस नहीं होगा। आ चाहिए नेक्स्ट पेज पर। पेज 175, पेज 175 देखिए, मैंने पहला केस है, मैंने परचेजेस की 1 करोड़ रुपए की कैश में, मैंने परचेजेस की 1 करोड़ रुपए की कैश में और ये सारा परचेज मेरा क्लोजिंग स्टॉक में है 1 करोड़। क्या 48 लगेगा? असेसी कहता कोई एक्सपेंडिचर ही नहीं है मेरा, जितनी परचेज उतनी क्लोजिंग स्टॉक है मेरा। सो मैटर रीच द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा परचेजेस क्या है आपकी? एक्सपेंडिचर एंड देयरफॉर इन अतर सिंह गुरमुख सिंह सुप्रीम कोर्ट हेड हेल्ड
कि अगर आप गुड्स परचेज कर रहे हैं तो एक्सीडिंग रुपीज 10,000 पेमेंट कर रहे हैं, अदरवाइज देन बाय बैंकिंग चैनल्स क्रॉस चेक अकाउंट पे चेक वगैरह, तो 40A3 लग जाएगा इवन इफ द परचेजेस फॉर्म पार्ट ऑफ योर क्लोजिंग स्टॉक, यानी परचेजेस पर 40A3 इज अट्रैक्टेड। केस नंबर टू, पॉइंट नंबर टू, पेज 175 पर है आप, पेज 175, सेक्शन 40A3 ओवरराइड्स द एंटायर इनकम टैक्स एक्ट एंड देयरफॉर इट ओवरराइड्स सेक्शन 35 आल्सो। 35 क्या होता है? साइंटिफिक रिसर्च। देयरफॉर पेमेंट्स मेड फॉर साइंटिफिक रिसर्च रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर शैल बी डिसअलाउड अंडर सेक्शन 40A3। डिसअलाउड अंडर सेक्शन, अंडर सेक्शन असली है यहां पर, अंडर सेक्शन 40A3 इफ सच पेमेंट्स आर मेड एक्सीडिंग रुपीज 10,000 अदरवाइज देन बाय अकाउंट पे चेक अकाउंट पे बैंक ड्राफ्ट यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग मोड्स बैंक अकाउंट और सच इलेक्ट्रॉनिक मोड्स एज मे बी प्रिस्क्राइब। सो 35AD स्पेसिफाइड बिजनेस का होता है, 43(1) आप कर चुके हैं एक्चुअल कॉस्ट, दे हैव बीन कॉरेस्पॉन्डिंगली अमेंडेड बाय फाइनेंस एक्ट 2017। देखिएगा, एक बिल रेज हुआ, वन बिल, एक्सपेंडिचर है रुपीज 2 लाख, कैश पेमेंट्स आपने अलग अलग दिन की है, ये बताइए डिसअलाउ होगी या नहीं? लॉ कहता है एक्सीडिंग 10,000, ये तो एग्जैक्टली 10,000 है इसलिए डिसअलाउ नहीं होगी। हां, ये वाली जो है डिसअलाउ हो जाएगी, तो 160 विल बी डिसअलाउड अंडर सेक्शन 40A3। रुक जाइए, अब रिसीवर जो है एक ही इवेंट के लिए यानी एक ही बिल के लिए कितना कैश रिसीव कर रहा है, चाहे डिफरेंट डेज पे कर रहा हो, 160, 70, 80, 90, 2 लाख। 2 सेक्शन ST कहता है कि अगर रिसीवर रिसीव करता है 2 लाख और अबव तो पेनल्टी लगेगी 271DA में, एंड देयरफॉर इन दिस केस सेक्शन 2 सेक्शन ST विल बी अट्रैक्टेड इन द हैंड्स ऑफ रिसीवर ऑफ कैश सिंस ही रिसीव्स 2 लाख और मोर इन कैश इन रिस्पेक्ट ऑफ अ सिंगल ट्रांजेक्शन ही शैल बी लायबल टू पे पेनल्टी ऑफ रुपीज 2 लाख अंडर सेक्शन 271DA। 5. बिल्स रेज फॉर एक्सपेंडिचर ऑफ रुपीज 90,000 पेमेंट्स मेड इन वन डे 10,000 × 9 एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम, लॉ कहता है एग्रीगेट ऑफ पेमेंट्स मेड इन अ डे देयरफॉर डिसअलाउंस हो जाएगा, सो 90,000 विल बी डिसअलाउड अंडर सेक्शन 40A3। पॉइंट 6 देखिएगा, बिल रेज फॉर 95,000 बाय ट्रांसपोर्टर फॉर हायरिंग ऑफ ट्रक फॉर कैरेज ऑफ गुड्स पेमेंट्स मेड टू हिम इन कैश आर एज अंडर 1821, 38,000, 2821, 22,000, 310, 21, 35,000। ट्रांसपोर्टर के केस में होता है एक्सीडिंग 35,000, ये अलाउ हो जाएगा, ये अलाउ हो जाएगा और ये डिसअलाउ होगा। सो इन केस ऑफ ट्रांसपोर्टर द कैश पेमेंट इन अ डे टू अ पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ एन एक्सपेंडिचर शुड नॉट एक्सीड 35,000, देयरफॉर द पेमेंट ऑफ 22,000 एंड 35,000 अंडर 40A3 विल नॉट बी डिसअलाउड, हाउएवर 38,000 विल बी डिसअलाउड अंडर 40A3 सिंस पेमेंट एक्सीड्स रुपीज 35,000। देखिए 3 बिल्स है, 0.7, 3 अलग अलग बिल है, सो 40A3 तो एक्सपेंडिचर्स की बात कर रहा है, हर एक्सपेंडिचर, तो यहां आपने 28,000 कैश पे भी कर दिया बट फॉर 3 डिफरेंट एक्सपेंडिचर्स है, सो 40A3 इन दिस केस विल नॉट बी अट्रैक्टेड। फॉर द एप्लीकेबिलिटी ऑफ 40A3 द एक्सपेंडिचर एज वेल एज द पेमेंट शुड एक्सीड रुपीज 10,000।
पॉइंट 8 में क्या है, फरवरी 20 को असेस ने एडवांस दिया एक सप्लायर को, एंट्री क्या पास की होगी, एडवांस टू सप्लायर टू कैश, कितना है 3 लाख। तो ये हुआ प्रीवियस ईयर 20 में। 30/6/21 को यानी प्रीवियस ईयर 22 में गुड्स सप्लाई होती है, एंट्री पड़ेगी परचेज डेबिट टू एडवांस। तो दोस्तों ये एक्सपेंस डिसअलाउ होगा प्रीवियस ईयर 22 में, एक्सपेंस तो मैंने बुक किया है प्रीवियस ईयर 22 में, तो एक्सपेंस मेरा प्रीवियस ईयर 22 में डिसअलाउ हो जाएगा 3 लाख। और जो रिसीवर है उसने प्रीवियस ईयर 20 में रिसीव किया था उस पर 216ST की पेनल्टी पड़ जाएगी। देखिएगा असेसी गिव एडवांस ऑफ 3 लाख इन कैश ऑन 20/21 फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स, द गुड्स आर सप्लाइड ऑन 30/21 फॉर रुपीज 3 लाख एंड एडवांस इज एडजस्टेड, सेक्शन 40A3 विल बी अट्रैक्टेड एंड 3 लाख विल बी डिसअलाउड इन असेसमेंट ईयर 22-23 इन हैंड्स ऑफ रिसीवर ऑफ कैश ऑफ 3 लाख सेक्शन 216ST विल बी अट्रैक्टेड ऑन 20/2020 एंड ही शैल बी लायबल टू पे अ पेनल्टी ऑफ रुपीज 3 लाख अंडर सेक्शन 271DA। पॉइंट 9 बाद में कर लेंगे, एक कंसेप्ट है ये, कच्चा आरतिया पक्का आरतिया ये बाद में कर लेंगे। नेक्स्ट पेज पे पॉइंट 10 देखिएगा, असेसमेंट ईयर 1920 में मैंने एक एक्सपेंस इनकर किया, पेज 177 एंट्री डाली एक्सपेंस टू एक्सपेंस पेबल और इसकी मैंने डिडक्शन क्लेम कर ली। अब कुछ समय बाद 1/1/22 को असेसी 250 का कैश पे कर देता है, नॉट 250, तो देखिए यहां डिसलाउंस नहीं होगा क्योंकि आपको पहले एक्सपेंस अलाउ हो गया है, यहां 40A 3A लग जाएगा। 250 विल बी डीम्ड टू बी द इनकम अंडर द हेड PGBP ऑफ प्रीवियस ईयर 22, तो जिसका एक्सपेंस है जिसने पे किया उसकी आप इनकम बन जाएगी। सेक्शन 216ST विल बी अट्रैक्टेड इन हैंड्स ऑफ रिसीवर ऑफ कैश, द रिसीवर ऑफ कैश विल पे पेनल्टी ऑफ ₹2,50,000। ये बोर्ड का सर्कुलर पढ़िएगा। बताइए ये जो अनाज की ये जो सब्जी मंडी वाले होते हैं ये फार्मर से कैश में सामान खरीदते हैं, जो ये है सब्जी मंडी वाले ये फार्मर से कैश में सामान मतलब उनका एग्रीकल्चर प्रोड्यूस खरीदते हैं। तो उस केस में पूछा गया कि वेरियस सेक्शंस की इम्प्लीकेशंस क्या होंगी। एक काम करिएगा, इस सर्कुलर को पढ़ के आइएगा, कुछ खास नहीं है सर्कुलर में, इस सर्कुलर को एक बार पढ़ के आइएगा। इधर देखिए आप,
एक असेसी है जो सप्लायर से एग्रीमेंट कर रहा है कि सप्लायर असेसी को गुड सप्लाई करेगा, और एग्रीमेंट कहता है कि असेसी जो पेमेंट करेगा वो पेमेंट सिर्फ कैश में होनी चाहिए। असेसी ने एग्रीमेंट के सप्लायर के साथ, सप्लायर कहता है कि भैया मैं मोनोपोली हूं, कैश में माल बेचूंगा आपको, तो आप मुझे कैश में पेमेंट करेंगे। और अगर आपने मुझे बैंक ड्राफ्ट दे दिया, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर किया मुझे, तो ये कॉन्ट्रैक्ट का वॉयलेशन माना जाएगा और आप 5 लाख की मुझे पेनल्टी पे करेंगे। सो कॉन्ट्रैक्ट कहता है कि असेसी को गुड्स खरीदनी है सप्लायर से, सो कॉन्ट्रैक्ट कहता है कि असेसी कैश पेमेंट करेगा सप्लायर को, और असेसी ने अगर पेमेंट कर दी अदरवाइज देन कैश, तो इसे वॉयलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा और असेसी को 5 लाख पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है या नहीं? परफेक्टली वैलिड है। कहां वैलिड नहीं है बताइए? 10,000 से ऊपर कैश देना क्या कोई जुर्म है? अगर मैं 10,000 से ऊपर कैश दूंगा तो क्या मुझे जेल हो जाएगी, मुझे फांसी की सजा लगा देंगे? कोई जुर्म नहीं है, ये तो इनकम टैक्स में डिसअलाउंस होती है। सो कॉन्ट्रैक्ट परफेक्टली वैलिड है, कॉन्ट्रैक्ट परफेक्टली वैलिड है, एंड देयरफॉर असेसी यहां पेमेंट कर पाए थ्रू अकाउंट पे चेक, गवर्नमेंट ने सेक्शन 40A4 बनाया। एक मिनट मुझे बताइए, अगर पेमेंट असेसी कर देता है बैंक ट्रांसफर के थ्रू तो क्या होगा? वॉयलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा, असेसी को पेनल्टी पे करनी पड़ जाएगी। अब सेक्शन 40A4 कहता है हम इस कॉन्ट्रैक्ट को ओवररूल करते हैं, हम इस कॉन्ट्रैक्ट को ओवररूल करते हैं, और कोई भी लॉ हो, कॉन्ट्रैक्ट लॉ जो कहता है ये एग्रीमेंट वैलिड है, हम उस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को भी ओवररूल कर देते हैं। अगर ऐसा कोई एग्रीमेंट है तो असेसी पेमेंट कर सकता है बाय बैंकिंग चैनल्स, और अगर असेसी पेमेंट करता है बैंकिंग चैनल से तो कोई भी पर्सन असेसी को सीयू नहीं कर सकता ऑन द ग्राउंड की पेमेंट कैश में नहीं की गई। सो सेक्शन 40A4 कहता है कि हम असेसी के अगेंस्ट कोई सूट फाइल नहीं होने देंगे अगर असेसी पेमेंट कर रहा है इन कैश, सॉरी बैंक ड्राफ्ट, जस्ट ऑन द ग्राउंड कि उसने पेमेंट कैश में नहीं की, इस बेसिस पर असेसी की अगेंस्ट कोई केस नहीं डाल सकते आप, कोई भी पेनल्टी रिकवर नहीं कर सकते अंडर एनी लॉ इन फोर्स 40A4। यस पॉसिबल है, इनकम टैक्स एक्ट ओवररूल कर सकता है दूसरे कॉन्ट्रैक्ट्स को, दूसरे एक्ट्स को भी पावर है। ये सारा एक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट अपने एक एक्ट को दूसरे एक्ट को ओवरल कर सकती है एक एक्ट से, नॉट विदस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन एनी अदर लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स और इन एनी कॉन्ट्रैक्ट। हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को भी ओवरल करते हैं, आपका जो एग्रीमेंट है उसको भी ओवरल करते हैं, वेयर एनी पेमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी एक्सपेंडिचर हैज बी मेड बाय एन अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे बैंक ड्राफ्ट, और यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम थ्रू बैंक अकाउंट और थ्रू सच इलेक्ट्रॉनिक मैनेजमेंट प्रिस्क्राइब इन ऑर्डर दैट सच एक्सपेंडिचर मे नॉट बी डिसअलाउड एज डिडक्शन अंडर 40A3, देन सच पेमेंट मे बी मेड बाय सच चेक ड्राफ्ट इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम एंड वेयर द पेमेंट इज सो मेड नो पर्सन शुड बी अलाउड टू रेज इन एनी सूट और प्रोसीडिंग अ प्ली द प्ली ऑन द ग्राउंड that the payment was not made in cash or in any other manner. For example, a assessee enters into a contract for purchase of goods with Mr. Y. The contract provides that assessee will make payment to Mr. Y only in cash. And if the payment is made otherwise than in cash,
then it shall be considered as breach of the agreement and the assessee will pay penalty of 1 lakh. The assessee makes payment of 2 lakh by account paycheck so that 40A3 is not attracted. Mr. Y wants to sue the assessee and recover the penalty of 1 lakh. Answer is he cannot sue because of section 40A4. अगर पेमेंट कैश में कर देता है असेसी एज पर द कॉन्ट्रैक्ट 40A3 में डिसला हो जाएगा बिकॉज रूल 6DD में ऐसी कोई एक्सेप्शन नहीं है. हाँ, और उधर रिसीवर के हाथ में 269ST लग जाएगा. ओके, इस चैप्टर को यहीं पर छोड़ देते हैं. अभी इस चैप्टर को यहीं पर छोड़ देते हैं. आपको लग रहा होगा मैं कुछ आधा अधूरा करके छोड़ रहा हूं, रीजन है उसका. आ चाहिए पेज 114 पर. रूल 6DD में सिर्फ यही एक्सेप्शन है और कोई एक्सेप्शन नहीं है. और आज देखिए अगर आप अननोन कस्टमर हैं तो दुकानदार आपसे कैश नहीं लेता, बट आपके पास वेरियस मीन्स हैं पेमेंट के. आज हर किसी के पास पेटीएम होता है, हर किसी के पास इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर की फैसिलिटीज होती है, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड होते हैं. तो ये तो पुराने जमाने की बात कर रहे हैं कि मुझे सामान खरीदने जाना है, मेरे पास कुछ है ही नहीं. पेज 114 पर आइएगा. सर्टेन डिडक्शंस अंडर सेक्शन 36. द फॉलोइंग डिडक्शंस आर अलाउबल अंडर सेक्शन 36. द फॉलोइंग डिडक्शंस आर अलाउबल अंडर सेक्शन 36. आ जाइए आप पेज 120 पर. 36 14 36 14 36 15 36 15 ये कवर करने वाले हैं. इधर देखिएगा प्लीज. आज आपका क्लाइंट है उस पर पीएफ एक्ट लगता है. आपका क्लाइंट है उस पर पीएफ एक्ट लगता है, तो प्रैक्टिकली आपने क्या देखा होगा, क्लाइंट क्या करता है. जो पीएफ कमिश्नर होता है, जो पीएफ कमिश्नर होता है उसमें अकाउंट खुलवा देता है एम्प्लॉयज के. सपोज मेरे 100 एम्प्लॉय हैं, मुझे पीएफ एक्ट लगता है, तो मैं क्या करूंगा, अपने 100 एम्प्लॉयज के जो सेंट्रल गवर्नमेंट का पीएफ वो है, सेंट्रल पीएफ, वहां 100 एम्प्लॉयज के अकाउंट खुलवा दूंगा. हर महीने क्या एंट्री पास करूंगा, 1, बताइए, लिखेगा मत. अब जो मान लीजिए हर एम्प्लॉय की सैलरी 10,000 रुपीज है, 10% मैं काटूंगा और 10% एम्प्लॉय देगा, तो जो मैं काटूंगा उसकी एंट्री क्या होगी. एक तो मैं काटूंगा, एक होगा मैं कॉन्ट्रीब्यूट करूंगा. सो एक तो है कि मैं एम्प्लॉय की सैलरी से काटूंगा उसका कॉन्ट्रीब्यूशन, दूसरा मैं खुद कॉन्ट्रीब्यूट करूंगा 10%. तो जो मैं खुद कॉन्ट्रीब्यूट करता हूं उसकी एंट्री क्या होती है, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू पीएफ डेबिट. लेट से 1,000 रुपए के हिसाब से 100 एम्प्लॉयज कितना हो गया, 1,00,000 रुपया. टू बैंक एक चेक बना देता हूं पीएफ कमिश्नर के नाम से, एक पीएफ कमिश्नर के नाम से चेक बना दूंगा 1,00,000 रुपए का,
और एक लिस्ट लगा दूंगा कि ये 100 इंप्लॉयज हैं, इनका अकाउंट नंबर ये है, तो पीएफ कमिश्नर क्या करेगा, चेक एनकैश होने के बाद 1,000 रुपए इंप्लॉयज के अकाउंट में क्रेडिट कर देगा। ठीक। दूसरा, अब मैं इंप्लॉय को सैलरी पे कर रहा हूं, 10,000 की सैलरी है, 100 इंप्लॉयज हैं, 10,00,000 की सैलरी हो गई, मैं क्या करूंगा, बैंक से पे करूंगा ओनली 9,00,000 और एंट्री डालूंगा टू इंप्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन टू पीएफ 1,00,000 और फिर इसको जमा कर दूंगा। एंट्री क्या होगी फिर, इंप्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन टू पीएफ टू बैंक 1,00,000, 1,00,000। मेरी बुक्स में एक्सपेंडिचर क्या आ रहा होगा, 1 तो सैलरी आ रहा होगा और यह आ रहा होगा 10,000, 1,00,000। सो मेरे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ये 1,00,000 जो एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है वो एक्सपेंस आ रहा होगा या नहीं? ये जो एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन मैं काटता हूं, क्या वो मेरा खर्चा होता है? जो एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन मैं काटता हूं, क्या वो मेरा एक्सपेंस है? नो, वो तो मैंने आपकी सैलरी में से डिडक्शन की, सरकार को पे कर दिया। और ये 1,00,000 का जब चेक दूंगा पीएफ कमिश्नर को, तो पीएफ कमिश्नर मेरे 100 एम्प्लॉयज के अकाउंट क्रेडिट कर देगा बाय 1,000 रुपीज ईच। क्लियर है? एम्प्लॉयज। मैंने सैलरी थी 10,00,000, उसमें से 9,00,000 के एम्प्लॉय को चेक दे दिया और 1,00,000 उनका कॉन्ट्रीब्यूशन रोक लिया और फिर ये जमा कर दिया बैंक में। ये एंट्री से कट गई। एम्प्लॉयर तो सिर्फ एम्प्लॉय की सैलरी काट कर जमा कर रहा है पीएफ अकाउंट में, खर्चा तो है ही नहीं वो। ये जो एम्प्लॉयर अपनी जेब से दे रहा है वो खर्चा है। क्लियर? ओके। ये जो आप प्रैक्टिकल लाइफ में देखते ना, इसे हम बोलते हैं स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, यानी स्टैट्यूट से आया हुआ ये। तो आप लोग जितने भी ऑडिट्स में गए होंगे वहां आपने स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड देखे होंगे, बट प्रैक्टिकल लाइफ में बताइए, क्या मैं अपना भी पीएफ खोल सकता हूं? यस। जैसे टाटा स्टील है, टाटा स्टील ये कह सकती है कि हम सरकार का पीएफ ना लेके अपना पीएफ खोलेंगे। तो टाटा स्टील क्या करेगी, एक पीएफ ट्रस्ट बनाएगी। टाटा स्टील एम्प्लॉयज पीएफ ट्रस्ट बनेगी। इस ट्रस्ट में 3 ट्रस्टीज होंगे टाटा स्टील एम्प्लॉयर की तरफ से और 3 ट्रस्टी होंगे एम्प्लॉयज की तरफ से। सो बराबर रिप्रेजेंटेशन होती है, 3 एम्प्लॉयर के ट्रस्टी, 3 एम्प्लॉय के ट्रस्टी। अब एंट्री वही पड़ेगी, टाटा स्टील अब जब कॉन्ट्रीब्यूशन करेगी पीएफ अकाउंट को तो यही एंट्री डालेगी जो स्टेशनरी में डालती है। अब एक मिनट, ये जो मेरी पीएफ ट्रस्ट पता कौन सी है, इसे मैंने कमिश्नर से अप्रूव कराया हुआ है। ये ट्रस्ट है जो कमिश्नर, चीफ कमिश्नर ने अप्रूव की हुई है। यहां पर भी मेरी अकाउंटिंग एंट्री सेम रहेगी, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू पीएफ डेबिट टू बैंक 1,00,000 रुपया।
मैंने स्टेशनरी पीएफ में चेक किसके नाम से बनाया था? पीएफ कमिश्नर। यहां चेक किसके नाम से बनेगा? इस इंप्लॉयज ट्रस्ट के नाम से बनेगा। और फिर इस ट्रस्ट के अकाउंट बन जाएंगे बैंक में, 1,00,000 रुपए आ गया। और इधर खुल जाएंगे क्या? इंप्लॉयज अकाउंट खुल जाएंगे, 1, 2, 300। उन सब में 1,000 रुपए क्रेडिट हो जाएगा। ठीक। अब मैं इंप्लॉयज की सैलरी में से उनका पीएफ काटूंगा तो भी एंट्री सेम रहेगी, तो भी एंट्री सेम रहेगी। जब भी मैं चेक बनाऊंगा, पहले चेक बनता था पीएफ कमिश्नर के नाम में, अब चेक बनेगा किसके नाम से? एम्प्लॉय ट्रस्ट के नाम से। यहां बैंक में 1,00,000 आ जाएगा और एम्प्लॉयज के अकाउंट में 1,000-1,000 रुपए और जमा हो जाएगा। अच्छा, जब आप क्वालिफाई हो जाएंगे, इंडस्ट्री ज्वाइन करेंगे, अगर आपने खुद की पीएफ ट्रस्ट बनानी है, खुद की सुपर एनुएशन ट्रस्ट बनानी है, खुद की ग्रेचुटी ट्रस्ट बनानी है, तो इनकम टैक्स के एक्ट के आखिरी में चले जाइए। वहां एक शेड्यूल 2 आता है, वहां ये सारे रूल्स दिए हुए हैं, और अपनी ट्रस्ट डीड में वो रूल्स एज इट इज कॉपी कर दीजिए और फिर कमिश्नर अप्रूव कर देता है। हम कॉमा भी चेंज नहीं करते। सो प्रैक्टिकली बता रहा हूं, वही रूल्स कॉपी कर दीजिए। वो डिटेल रूल्स है कि ये ट्रस्ट कैसे ऑपरेट करेगी। एम्प्लॉयज का पैसा है, अगर सरकार के पास पीएफ खुलवाया है तो सरकार के पास पैसा सेफ है, बट जब एम्प्लॉयर के पास पैसा है मिसयूज कर सकता है। एंड देयरफॉर कमिश्नर कंडीशन लगाता है, इस पैसे को आप रख सकते हैं ओनली इन नेशनलाइज्ड बैंक्स या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। जो प्राइवेट ट्रस्ट होती है ना, उसको पैसा रखना होता है ओनली इन नेशनलाइज्ड बैंक्स एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, और कहीं इन्वेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि एम्प्लॉयज का पैसा है, कहीं उल्टी सीधी जगह ना लग जाए, शेयर मार्केट में नहीं लगा सकते ये। फिर ये ट्रस्ट क्या कहती है, इस पैसे से गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीद लेती है और उस पर जो इंटरेस्ट आता है फिर क्या करती है, ईयर एंड पर एम्प्लॉयज के अकाउंट में प्रोपोर्शनेटली इंटरेस्ट क्रेडिट कर देते हैं और ट्रस्ट चलती रहती है। इस ट्रस्ट की इनकम सेक्शन 10 में एग्जेम्प्ट होती है, इस ट्रस्ट की इनकम सेक्शन 10 में एग्जेम्प्ट होती है। इस ट्रस्ट को आपको अप्रूव करवाना होता है फ्रॉम चीफ कमिश्नर और कमिश्नर। क्लियर है? अब जब एम्प्लॉय छोड़ के जाएगा तो क्या मेन कंपनी टाटा स्टील पैसा देगी? नो। सपोज एम्प्लॉय 1 छोड़ के गया, इसका बैलेंस है मान लीजिए 60,000, तो ट्रस्ट क्या करेगी, 60,000 सिक्योरिटीज बेचकर या एफडी एनकैश करा के इसको पेमेंट कर देगी। क्लियर? ओके। सो सेक्शन 36 कहेगा कि एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू, अच्छा, इनकम टैक्स वाले सिर्फ 3 तरह के एम्प्लॉयज बेनिफिट फंड्स बनाने की परमिशन देते हैं। इनकम टैक्स एक्ट सिर्फ 3 तरह के एम्प्लॉयज बेनिफिट ट्रस्ट बनाने की परमिशन देता है। कौन कौन से? एक तो प्रोविडेंट फंड ट्रस्ट, दूसरी ग्रेचुटी फंड ट्रस्ट, और तीसरी सुपर एनुएशन फंड ट्रस्ट। और इस तीनों को बनाने के लिए इनकम टैक्स में शेड्यूल है, वहां पूरे रूल्स दिए हुए हैं। इन तीनों को कमिश्नर, चीफ कमिश्नर अप्रूव करता है। इन तीनों को कमिश्नर, चीफ कमिश्नर अप्रूव करता है, इसलिए हम इन्हें बोलते हैं अप्रूव्ड प्रोविडेंट फंड, अप्रूव्ड ग्रेच्युटी फंड, अप्रूव्ड
सुपर एनुएशन फंड, बट ट्रेडिशनली यहां हम अप्रूव की जगह क्या वर्ड यूज करते हैं, रिकॉग्नाइज्ड। ट्रेडिशनली हम प्रोविडेंट फंड को अप्रूव करने की जगह क्या बोलते हैं, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। ठीक है, अब आप सेक्शन 36 में पढ़ेंगे कि एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू दिस फंड्स आर अलाउड एज डिडक्शन। एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन की क्यों नहीं बात कर रहा है ये, एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन तो एक्सपेंडिचर ही नहीं होती, एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन तो एक्सपेंस ही नहीं होता मेरा, एंड देयरफॉर देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ अलाउइंग एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड। पेज 120 ऊपर से पढ़ते आ रहे हैं आप, ऊपर से पढ़ते आ रहे हैं, द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर्स आर अलाउबल अंडर सेक्शन 36। मत पढ़िए जी पेज, इधर देखिए मैं बोल रहा हूं आपके लिए, द फॉलोइंग डिडक्शंस आर अलाउबल अंडर सेक्शन 36, पेज 120 सेक्शन 36(1)(4), एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड और अप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड। सो एनी सम पेड बाय द एम्प्लॉयर बाय वे ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन टूवर्ड्स अ रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड और एन अप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड सब्जेक्ट टू द लिमिट्स प्रिस्क्राइब्ड इन रिकॉग्निशन ऑफ द प्रोविडेंट फंड और अप्रूवल ऑफ द सुपर एनुएशन फंड accorded by the chief commissioner will be allowed as deduction। next page par aaiye 36(1)(5) dekhiye, any sum 36(1)(5) kya hai, employer's contribution towards approved gratuity fund, any sum paid by the employer by way of contribution towards an approved gratuity fund created by him for the exclusive benefit of the employees under an irrevocable trust will be allowed as deduction। ठीक, एक बात बताइए, gratuity fund में क्या employer employee दोनों contribute करते होंगे? ग्रेचुटी फंड में तो सिर्फ कॉन्ट्रीब्यूट कौन करता है, एम्प्लॉयर, और ग्रेचुटी फंड में जब एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूट करता है तो ट्रस्ट अकाउंट में बैंक में पैसा आ जाएगा, और इधर एम्प्लॉयज को क्रेडिट नहीं करते, किसको क्रेडिट करते हैं हम, फंड अकाउंट, क्योंकि पता ही नहीं किसको ग्रेचुटी कितनी पे करनी है। पता ही प्रैक्टिकली एम्प्लॉयर कितना ग्रेचुटी फंड को हर साल अप्रूव कंट्रीब्यूट करता होगा, प्रैक्टिकली एम्प्लॉयर हर साल कितना ग्रेचुटी फंड को कंट्रीब्यूट करता होगा, लगता है मुझे तो लगता है जीरो, एक्चुअरी, एक एक्चुअरी होता है जो साइंटिफिक तरीके से वैल्यूएशन करता है कि आपकी हर साल ग्रेचुटी की लाइबिलिटी कितनी बन रही है। तो एक्चुअरी के बेसिस पर चीफ कमिश्नर कहता है अपनी ट्रस्ट डीड के रिकॉग्निशन में कि हर साल का कंट्रीब्यूशन निकालेंगे और इस फंड को कंट्रीब्यूट करेंगे। सो प्रैक्टिकली एक्चुअरी के बेसिस पर कंट्रीब्यूशन निकाली जाती है, और चीफ कमिश्नर अपनी अप्रूवल में यही लिखता है कि एक्चुअरी बताएगा कि कितना कंट्रीब्यूशन करना है, उतना आप कंट्रीब्यूट करेंगे इस फंड को हर साल। जब एम्प्लॉय छोड़ जाता है तो पेमेंट कौन देता होगा, ट्रस्ट या कंपनी, ट्रस्ट। यहां फंड से पैसा कम हो जाता है, इधर बैंक से पैसा कम हो जाता है। 36(1)(4) क्या कह रहा है,
एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड इज अलाउड एज डिडक्शन. एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स अप्रूव्ड सुपरएनुएशन फंड इज अलाउड एज डिडक्शन. 36(1)(5) क्या कह रहा है? एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स अ अप्रूव्ड ग्रेच्युटी फंड इज अलाउड एज डिडक्शन. पेज 120 सेक्शन 36(1)(4)(a) एक न्यू पेंशन स्कीम है ATCCD में. क्या एम्प्लॉयर वहां भी कॉन्ट्रीब्यूट कर सकता है या नहीं? कर सकता है, कर सकता है. सो एक ATCCD में न्यू पेंशन स्कीम है जहां एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूट कर सकता है टुवर्ड्स द न्यू पेंशन स्कीम, बट वहां लिमिट कितनी है? 10% ऑफ सैलरी. 10% ऑफ सैलरी. पढ़िएगा 36(1)(4)(a). Employer's contribution, page 120 at the bottom, ऊपर से पढ़ते आ रहे हैं, the following deductions are allowable to you. Any sum paid by the assessee as an employer by way of contribution towards a pension scheme referred in ATCCD on account of an employee to the extent it does not exceed 10% of the salary of the employee in the previous year. यानी 10% से एक्सेस में कंट्रीब्यूट किया, डिसअलाउ कर देंगे. और यहां सैलरी का मतलब क्या है? सैलरी इंक्लूड्स DA इफ टर्म्स ऑफ द एम्प्लॉयमेंट सो प्रोवाइड बट एक्सक्लूड्स ऑल अलाउंसेस एंड परक्विजिट्स. इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए. नहीं, ग्रॉस सैलरी नहीं, जो आपकी बेसिक सैलरी है एंड DA इफ इट फॉर्म्स पार्ट ऑफ द मेन कॉन्ट्रैक्ट. बाकी अलाउंसेस पर क्विजिट को सैलरी में इंक्लूड नहीं करेंगे 10% की लिमिट निकालने के लिए. यहां तक क्लियर है? चलिए आपको आगे ले चलता हूं. गवर्नमेंट चाहती है या तो आप गवर्नमेंट के PF में पैसा जमा करें, या फिर अगर अपना प्राइवेट फंड बनवा रहे हैं, प्राइवेट ग्रेच्युटी फंड, प्राइवेट सुपरन्यूशन फंड, प्राइवेट प्रोविडेंट फंड, तो उसे अप्रूव करवाइए कमिश्नर से. और कमिश्नर अप्रूवल तभी देता है जब आप अंडरटेकिंग देते हैं कि सारा पैसा आप कहां जमा करेंगे, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या नेशनलाइज बैंक्स. यानी गवर्नमेंट नहीं चाहती कि कोई प्राइवेट प्रोविडेंट फंड बना ले और उसे कमिश्नर से अप्रूव ना कराए और पैसा अपने मन मानी तरीके से शेयर मार्केट में लगा दे. गवर्नमेंट नहीं चाहती है. अब हुआ क्या, देखिए हुआ क्या. एक असेसी ने एक अनअप्रूव फंड बनाया हुआ था. असेसी ने एक अनअप्रूव प्रोविडेंट फंड बनाया हुआ था, यानी अप्रूव नहीं था, प्राइवेट फंड था, कमिश्नर से अप्रूव नहीं कराया. और असेसी हर साल इसमें 50 लाख की कंट्रीब्यूशन करता था, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन. अलाउड, डिसअलाउड? डिसअलाउड. मैटर गया सुप्रीम कोर्ट में. सो इशू था कि असेसी का एक अनअप्रूव फंड था, उसको पेमेंट कर रहा था, असेसी ने रिटर्न में उसे अलाउ क्लेम किया था, AO ने डिसअलाउ कर दिया. मैटर सुप्रीम कोर्ट में गया. असेसी ने, पेज 137 पर आइएगा, 137 पर आइए. असेसी ने कहा जी मुझे तो 37(1) में डिडक्शन मिलेगी इसकी. असेसी ये कह रहे हैं स्पेसिफिक सेक्शन है तो स्पेसिफिक सेक्शन में फॉल करेंगे. अभी देखते हैं 37(1) क्या कहता है. पेज 137 पर
एनी एक्सपेंडिचर अदर देन स्पेसिफिकली मेंशन इन द प्रीसीडिंग पैराग्राफ्स दैट इज 30 to 36 शैल बी अलाउड एज डिडक्शन प्रोवाइडेड द फॉलोइंग कंडीशन सेटिस्फाइड. पर्सनल एक्सपेंडिचर नहीं है, कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है, बिजनेस के लिए है. अब असेसी कहता है 36 में कौन सा एक्सपेंडिचर कवर्ड है? असेसी कहता है सेक्शन 36 किसकी बात कर रहा है? कॉन्ट्रीब्यूशन टू अप्रूव फंड्स. इट इज नॉट टॉकिंग अबाउट कॉन्ट्रीब्यूशन टू अनअप्रूव फंड, दैट इज कवर्ड बाय 37. देयरफॉर असेसी कहता है कि 36 तो कहता है कॉन्ट्रीब्यूशन टू अप्रूव फंड्स की बात कर रहा है, विल बी अलाउड इज डिडक्शन. और 37 कहता है जो एक्सपेंडिचर्स 30 to 36 में कवर नहीं है वो यहां लाओ जाएंगे. तो अनअप्रूव फंड को जो पेमेंट जारी है कॉन्ट्रीब्यूशन, वो 36 में कवर नहीं है, 37 में कवर्ड है. और असेसी कहता है देखिए ना तो मेरा पर्सनल एक्सपेंस है ना कैपिटल एक्सपेंडिचर है, बिजनेस के लिए है. एंड सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हेल्ड कि कॉन्ट्रीब्यूशन टू अनअप्रूव फंड्स विल बी अलाउड अंडर 37(1). और बताइए सरकार इस डिसीजन से ना खुश क्यों होगी? फिर तो हर कोई अनअप्रूव फंड बनाएगा, पैसा शेयर मार्केट में लगा देगा, पैसा अपने घर के यूज के लिए निकाल लेगा, एम्प्लॉयज का फ्यूचर खराब कर दिया आपने. एंड देयरफॉर गवर्नमेंट डिसाइडेड टू ओवर रूल दिस जजमेंट. गवर्नमेंट डिसाइडेड टू ओवर रूल दिस जजमेंट. आ चाहिए पेज 169 पर दोबारा. आ जाइए पेज 169 पर दोबारा. द फॉलोइंग डिस अलाउंस शैल बी मेड, द फॉलोइंग डिस अलाउंस शैल बी मेड नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन एनी अदर प्रोविजन ऑफ द एक्ट. यानी सेक्शन 37 भी हम ओवररूल करते हैं, हम 37 ओवररूल करते हैं. एंड गवर्नमेंट केम आउट विथ सेक्शन 40A(9) पेज 179 पेज 179 सेक्शन 40A(9) मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा. और बताऊंगा एग्जामिनर किस तरह से आपको ट्रैप में लेता है. 40A(9) में एक ब्लैंकेट रिस्ट्रिक्शन लेके आए. 40A(9) सुनिए प्लीज, एक ब्लैंकेट रिस्ट्रिक्शन लेके आए. आप एम्प्लॉयज के बेनिफिट के लिए कोई भी फंड बना लीजिए, उसको बनाने का खर्चा, उसको जो आप कंट्रीब्यूट करेंगे मंथली ईयरली, हम सब कुछ डिसअलाउ करें. नॉट विथ स्टैंडिंग द एंटायर इनकम टैक्स एक्ट, नॉट विथ स्टैंडिंग सेक्शन 37(1). सो 40A(9) ब्लैंकेट रिस्ट्रिक्शन लेके आता है. आप इंप्लॉयज के बेनिफिट के लिए कोई भी फंड बनाइए, उसको बनाने का खर्चा, उसमें जो कॉन्ट्रीब्यूशन करेंगे आप, सब कुछ डिसअलाउड, सब कुछ डिसअलाउड. फिर लॉ एक्सेप्शन लेके आता है. क्या क्या एक्सेप्शन? अगर कॉन्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, अप्रूव्ड सुपरनेशन फंड, अप्रूव्ड ग्रेच्युटी फंड, देन दैट एनपीएस ट्रस्ट, एनपीएस ट्रस्ट. एक आपने ऑफिसर्स में देखा हुआ ईएसआई लगता है कई जगह, ईएसआई इंप्लॉय स्टेट इंश्योरेंस. क्या वो आप ऐसे ही मतलब मजाक में देते हैं ईएसआई दे दी हमने सरकार को? या आपकी स्टैच्यूटरी लाइबिलिटी होती है? इट्स अ स्टैच्यूटरी लाइबिलिटी. एक्सेप्शन आ गया. एक तो ये चार फंड्स अप्रूव्ड, ग्रेच्युटी फंड अप्रूव्ड, सुपरनेशन फंड रिकॉग्नाइज्ड, प्रोविडेंट फंड, एटीसीसीडी वाला एनपीएस,
एंड जहां पर आपको पेमेंट करनी है एज पर लॉ, लाइक ईएसआई, प्रोफेशनल टैक्स किसी ट्रस्ट को थोड़ी पेमेंट करते हैं आप। 40A9 तो कहता है कि अगर आपने एम्प्लॉयज के बेनिफिट के लिए कोई ट्रस्ट बनाई, उसको बनाने का खर्चा, उसको कॉन्ट्रीब्यूशन जो करेंगे, हम सब कुछ डिसलाउ करेंगे विद दिस फाइव एक्सेप्शंस, अप्रूव्ड सुपरनेशन फंड, अप्रूव्ड ग्रेच्युटी फंड, अप्रूव्ड प्रोविडेंट फंड, देन ATCCD, या फिर जहां पर स्टैट्यूट में रिक्वायरमेंट है लाइक ESI। अब देखिए, एग्जामिनर तरह तरह से आपको कंफ्यूज करता है। ब्रेक के बाद। VG Learning Destination with content partner Packer presents the Certified Management Accountant Program CMA. Be a part of the change. Live online and recorded classes. Contact cma@vgldi.com. Hi, this is Neha. She is about to complete school and wants to make a head start in her career. She knows that only graduation will not give her an edge. She only knows about the traditional options such as BCom, MBA, BBA, CA. But she doesn't want that. She is looking for something that gives her a professional advantage in the future. A professional qualification with a global value. That's when she discovers ACCA. A globally recognized qualification of certified accountants, recognized in over 181 countries. She thought it must be expensive, but thanks to VG Learning for providing affordable coaching, scholarship and guidance to students if you wish to choose the best career option for your child. Giving two international qualifications without a visa. Call now to speak to a counselor. Can you please start the class? Page 179 par aiyega. ATCCA 9, इसी पेज पर रहिएगा आप। हम ऊपर से पढ़ते आ रहे हैं, ओवररूलिंग द एंटायर इनकम टैक्स एक्ट, द फॉलोइंग डिसअलाउंसेस शैल बी मेड, नो डिडक्शन शैल बी अलाउड इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी सम पेड बाय द एसएससी एज एन एम्प्लॉयर टुवर्ड्स सेटिंग अप और फॉर्मेशन और एज कॉन्ट्रीब्यूशन। यानी अगर आप फॉर्मेशन का खर्चा दे रहे हैं या फिर कोई मंथली कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, ईयरली कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, सब कुछ डिसअलाउड। सो नो डिडक्शन शैल बी अलाउड इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी सम पेड बाय द एसएससी एज एन एम्प्लॉयर टुवर्ड्स सेटिंग अप, फॉर्मेशन ऑफ और एज कॉन्ट्रीब्यूशन टू एनी फंड, ट्रस्ट, कंपनी, EOP, BOI, सोसाइटी और एनी इंस्टीट्यूशन एक्सेप्ट। सो पहली तीन लाइन में लॉ ब्लैंकेट प्रोहिबिशन आता है कि अगर आप एज एन एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बेनिफिट के लिए कोई भी ट्रस्ट, कोई भी फंड, कोई भी कंपनी, AOP वगैरह बना रहे हैं, उसको फॉर्मेशन का खर्चा, उसमें जो कॉन्ट्रीब्यूशन करेंगे, दे विल बी ऑल डिसअलाउड। सो नो डिडक्शन शुड बी अलाउड इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी सम पेड बाय द एसएससी एज एन एम्प्लॉयर टुवर्ड्स सेटिंग अप, फॉर्मेशन ऑफ और एज कॉन्ट्रीब्यूशन टू एनी फंड, ट्रस्ट, AOP, BOI, एक्सेप्ट। एक्सेप्शन क्या है? पहला, वन, वेयर सच सम इज रिक्वायर्ड टू बी पेड अंडर एनी लॉ इन फोर्स, फॉर एग्जाम्पल ESI। तो जहां आपको पेमेंट करनी है किसी लॉ के अंदर, यानी आपकी स्टेचुररी ऑब्लिगेशन है पेमेंट करने के लिए, तो अलाउ हो जाएगा। और नंबर टू क्या है? वेयर सच सम इज पेड फॉर एन अप्रूव्ड ग्रेच्युटी फंड, अप्रूव्ड सुपरनेशन फंड, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड और पेंशन स्कीम रेफर्ड इन ATCCD। आपने सुना होगा कोक और पेप्सी के बीच में वॉर चलती है, दोनों एक दूसरे को कैप्चर करने पे लगे रहते हैं। होता यह है, कोक
अगर किसी एरिया ए में अच्छा काम कर रही है, इनकी सेल्स इस एरिया में ज्यादा अच्छी आ रही है, तो पेप्सी वाले क्या करते हैं, इसके यहां के स्टाफ को कहते हैं 50% एक्स्ट्रा सैलरी देंगे, हमारे पास आ जा, और इंप्लॉयज यहां शिफ्ट करा लेते हैं। लाइकवाइज पेप्सी के इंप्लॉयज कोक तोड़ लेता है, तो इस तरह की वॉर चलती रहती है। तो कोक यूएस ने कोक इंडिया को बोला कि इंप्लॉयज के बेनिफिट के लिए बड़े सारे फंड्स बना दीजिए, ताकि इंप्लॉय छोड़ के जाने का नाम ही ना ले। एंड कोक यूएस ने सजेस्ट किया कि जो कोक इंडिया है उससे कहा कि बनाइए आप कि कोक इंप्लॉयज चिल्ड्रन स्कूल एजुकेशन फंड बना दीजिए, कोक इंप्लॉयज चिल्ड्रन कॉलेज एजुकेशन फंड बना दीजिए, कोक इंप्लॉयज चिल्ड्रन हायर एजुकेशन फॉरेन एजुकेशन फंड बना दीजिए, कोक इंप्लॉयज मैरिज फंड बना दीजिए, और कोक इंडिया हर साल इस फंड को 5-5 करोड़ रुपए कंट्रीब्यूट करती रहेगी। जब कोक के टैक्स कंसल्टेंट्स को ये स्कीम बताई गई, उनके टैक्स कंसल्टेंट्स ने कहा कि अगर कोक इंडिया जो भी कंट्रीब्यूट करेगी क्या होगा, डिसअलाउ हो जाएगा, एंड देयरफॉर कोक इंडिया कोई भी स्कीम नहीं ला पाई। अब एग्जामिनर आपसे क्वेश्चंस पूछता है कि असेसी ने एम्प्लॉयज के बेनिफिट के लिए एक ट्रस्ट बनाई है, उसमें कंट्रीब्यूशन क्या है, 10 लाख रुपए, तो क्या करेंगे आप, डिसअलाउ करेंगे। 40A9 में असेसी ने एम्प्लॉयज के चिल्ड्रन की एजुकेशन बेनिफिट की ट्रस्ट बनाई है और उसमें 15 लाख रुपए हर साल कंट्रीब्यूट करें, क्या करेंगे आप, डिसअलाउ करें। तो एग्जामिनर जो 15 मार्क्स क्वेश्चन होता है उसमें एक एडजस्टमेंट ये डाल देता है कि एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा है, एम्प्लॉयज बेनिफिट ट्रस्ट डिसअलाउड अंडर 40A9, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा है टुवर्ड्स एम्प्लॉयज चिल्ड्रन एजुकेशन फंड ट्रस्ट डिसअलाउड, करेक्ट। जो आप पीएफ कमिश्नर गवर्नमेंट के पास होता है फंड, उसको पेमेंट करते हैं, वो 37(1) में डिडक्टेबल होता है। 36(1)(4), 36(1)(5) बात कर रहा है अप्रूव फंड्स, जो प्राइवेट फंड्स, जो सरकार के पास फंड्स हैं उनकी डिडक्शन मिलती है मुझे एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन की 37(1) में। ओके एक क्वेश्चन केस स्टडी की तरह से आपसे पूछा जाता है कि एम्प्लॉयर जो है, असेसी जो है, उसके एम्प्लॉयज के बच्चे एक स्कूल में पढ़ते हैं, असेसी के एम्प्लॉयज के बच्चे एक स्कूल में पढ़ते हैं, बच्चों को कंसेशनल या फ्री एजुकेशन दी जाती है, इसलिए असेसी स्कूल को 5 लाख रुपीस पर एनम देता है, अलाउड डिसअलाउड, डिसअलाउड क्यों ना, ये ट्रस्ट एम्प्लॉयर ने थोड़ी बनाई है, ये ट्रस्ट एम्प्लॉयर ने थोड़ी बनाई है, 40A9 में तो डिसअलाउड है। जो ट्रस्ट एओपी कंपनी आप खुद फॉर्म कर रहे हैं एम्प्लॉयज के बेनिफिट के लिए,
उसको फॉर्मेशन का खर्चा, उसको जो कॉन्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं वो डिसअलाउड है। बट आज मान लीजिए एक स्कूल है मॉडर्न स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, मेरे एम्प्लॉयज के बच्चों को प्रेफरेंस देता है एजुकेशन में, उनको एडमिशन गारंटेड है, और क्या नाम, मेरे एम्प्लॉयज के बच्चों को 50% फीस चार्ज करता है, और उसके बदले मैं मॉडर्न स्कूल DPS को 10 लाख रुपीज पर एनम दे रहा हूं, तो ये कोई कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स एनी फंड थोड़ी है फॉर द वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉयज, ये तो एम्प्लॉयज वेलफेयर का खर्चा है जो 37(1) में मुझे अलाउ जाएगा। देखिए केस लॉ, एक मिनट दिखाता हूं, एक मिनट प्लीज। पेज 145 केस लॉ नंबर 9 देखिएगा, पेज 145 केस लॉ नंबर 9 ट्रेवेनकोर कोचिन केमिकल्स लिमिटेड पेमेंट टुवर्ड्स प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ एक्सपेंसेस ऑफ द असेसी फॉर रनिंग अ स्कूल वेयर इन द चिल्ड्रन ऑफ द असेसीज एम्प्लॉयज वर स्टडिंग would be expenditure for smooth functioning of the business of the assessee and also expenditure wholly exclusively for the welfare of employees of the assessee and therefore that's allowable under 37(1). So during the accounting year relevant to assessment in 1920, the assessing company has made certain payments towards proportionate share of expenses of the assessee for running a school where 282 children of its employees were studying. The assessee claimed deduction of the said expenditure. ए उन्हें 40A9 लगा के डिसअलाउ कर दिया। हेल्ड दैट इन द इंस्टेंट केस द एक्सपेंडिचर मेड बाय द असेसी वाज होली एंड एक्सक्लूसिवली फॉर द वेलफेयर ऑफ द एम्प्लॉयज। तो मैं अगर अब एम्प्लॉयज को खुश रख रहा हूं, मेरे लिए सही काम करेंगे, छोड़ के नहीं जाएंगे, मेरे बिजनेस में रुकावट नहीं आएगी, एंड देयरफॉर बाय हैविंग अ कंटेंटेड वर्कफोर्स आई विल बी हैविंग अ स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द बिजनेस एंड ऑल्सो वो कैरिंग ऑफ द बिजनेस ऑफ द असेसिंग कंपनी मोर एफिशियंटली बाय हैविंग अ कंटेंटेड लेबर फोर्स। इट वॉज नाइदर अ डोनेशन कवर्ड बाय 40A9 नॉर कैपिटल इन नेचर नॉट कवर्ड अंडर 37(1). द अबव एक्सपेंडिचर टुवर्ड्स कॉन्ट्रीब्यूशन फॉर रनिंग ऑफ द स्कूल वॉज एन एक्सपेंडिचर फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द बिजनेस ऑफ द असेसी एंड फॉर द वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉयज एंड देयरफॉर इट्स अलाउएबल अंडर 37(1). क्लियर है? ओके, इधर देखिए, असेसी के 100 एम्प्लॉयज हैं। बताइए ग्रेचुटी देने की लायबिलिटी कब अराइज होती है? जब एम्प्लॉय छोड़ जाता है, डेथ हो जाती है। बट कंपनी जो है क्या करती है, हर साल प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी करती है, क्योंकि अगर आपकी 5 साल की सर्विस हो गई है यू बिकम एंटाइटल्ड टू ग्रेचुटी, फॉर ईच ईयर ऑफ सर्विस यू गेट ग्रेचुटी। तो कंपनी क्या करती है, एक एक्चुअरी होता है, एक्चुअरियल साइंस, एक साइंटिफिक वैल्यूअर होता है ग्रेचुटी का, इससे वैल्यूएशन करवाती है ग्रेचुटी की, और हर साल एंट्री डालती है ग्रेचुटी डेबिट टू प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी 1 crore 1 crore, एंड दिस प्रोविजन इज सर्टिफाइड बाय द एक्चुअरी। बताइए ये एक्सपेंस आपको अलाउ होना चाहिए या नहीं? गवर्नमेंट कहती है कि आप हर साल ये एंट्री डालते रहते हैं, एक्सपेंस क्लेम करते जाते हैं। मान लीजिए 10 साल में आपके पास 10 करोड़ जमा हो गया प्रोविजन में, बट एम्प्लॉयज का फ्यूचर सर्टेन कहां हुआ? हो सकता है कल आप बैंकक्रप्ट हो जाएं, एम्प्लॉय को पैसा दे ना पाए,
तो व्हाट इज द सिक्योरिटी ऑफ द फ्यूचर ऑफ द एम्प्लॉयज? हाँ, अगर आपने अप्रूव ग्रेचुटी फंड रखा हुआ है वहां सिक्योर्ड है, क्योंकि उसे कमीशन अप्रूव करता है, उसे कमीशन अप्रूव करता है, और वहां जो भी कॉन्ट्रीब्यूशन आप करते हैं वो सरकार की सिक्योरिटीज में जमा हो जाता है। एंड सुप्रीम कोर्ट जजमेंट आ गया कि अगर असेसी प्रोविजन कर रहा है ग्रेचुटी के लिए ऑन द बेसिस ऑफ साइंटिफिक मेथड डेट इज एक्चुअरी, तो वो 37(1) में अलाउ हो जाएगा। बताइए 40A9 से ये जजमेंट ओवररूल हो रहा है या नहीं? नहीं हो रहा, बिकॉज असेसी कोई फंड थोड़ी बना रहा है, असेसी तो हर साल प्रोविजन करता जा रहा है। और गवर्नमेंट इसको अलाउ क्यों नहीं करना चाहती? बिकॉज पैसा कहीं जमा नहीं कर रहा, ये तो पैसा बिजनेस में लगाए बैठे हुए हैं, कल शेयर मार्केट में लगा देंगे। बट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट आ गया कि ये एक्सपेंस अलाउबल है अंडर 37(1), एंड देयरफॉर द फाइनेंस मिनिस्ट्री वाज अनहैप्पी विद दिस जजमेंट। आप देखिए, जो आपके इंडियस है वहां पर भी कह रहे हैं कि जो एम्प्लॉयज बेनिफिट हैं उनको आप इन्वेस्ट करिए। सरकार ने कहा कि अगर आप कोई भी प्रोविजन करते हैं ग्रेचुटी की, हम डिसअलाउ करेंगे। एक सेक्शन लेके आए 40A7, इधर देखिए, मॉड्यूल में देखिए, कहते हैं ओवररूलिंग सेक्शन 37(1). अगर आप कोई भी प्रोविजन करते हैं ग्रेचुटी की, चाहे एक्चुअरी के बेसिस पे कर रहे हैं, हम डिसअलाउ करेंगे। अब आप मुझे इसके एक्सेप्शन बना के दीजिए। पहला एक्सेप्शन, जहां आपने अप्रूव्ड ग्रेचुटी फंड रखा हुआ है वहां कुछ प्रोविजन कर रहे हैं, वो अलाउ हो जाएगी, यस और नो? नंबर टू, मैंने फंड नहीं रखा हुआ, बट एम्प्लॉई साल में रिटायर हो गया, ग्रेचुटी पेबल हो गई उसकी, बताइए वो ग्रेचुटी मुझे अलाउ हो जाएगी या नहीं? 37(1) में अलाउ हो जाएगी, बिकॉज दैट इज द ग्रेचुटी बिकमिंग एक्चुअली पेबल, वो तो मुझे देना ही देना पड़ेगा, बताइए। देखिएगा 40A7 पेज 178, तो आप देख रहे हैं मैं किस तरह से लिंकेज करता जा रहा हूं। अगर मैं स्टीरियोटाइप पढ़ाऊंगा समझ तो जाएंगे आप, एग्जाम में लिंकेज नहीं कर पाएंगे। पेज 178 सेक्शन 40A7 ऊपर से पढ़ते आ रहे हैं, द फॉलोइंग डिडक्शंस आर टू बी डिसअलाउड नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन द एंटायर इनकम टैक्स एक्ट 40A7। No deduction shall be allowed in respect of any provision made by the assessee for payment of gratuity to his employees on their retirement or termination of employment. Full stop. Blanket prohibition. कि आप कोई भी provision करिए gratuity की, हम allow नहीं करेंगे. So no deduction shall be allowed in respect of any provision made by the assessee for the payment of gratuity to his employees on their retirement or termination of the employment. However, exceptions, deduction shall be allowed in respect of 1. Payment of sum as contribution towards approved gratuity fund. Ya phir number 2 kya hai? Any provision made for payment of gratuity actually becoming payable during the year. So I hope 40A7 और 40A9 में कोई कंफ्यूजन नहीं है। 40A9 तो जनरल था कि कोई भी एम्प्लॉयज के बेनिफिट लिए फंड बनाएंगे उसको फॉर्मेशन का खर्चा कॉन्ट्रीब्यूशन अलाउ नहीं करेंगे। 40A7 स्पेसिफिक किसके लिए है? ग्रेचुटी के लिए। कोई भी प्रोविजन करेंगे ग्रेचुटी की, चाहे एक्चुअली के बेसिस पे, कि हम डिसअलाउ कर देंगे। एक्सेप्शन क्या है? 1, अगर आपने प्रोविजन किया टुवर्ड्स अप्रूव ग्रेचुटी फंड,
नंबर टू प्रोविजन किया टुवर्ड्स ग्रेच्युटी एक्चुअली बिकमिंग पेएबल ड्यूरिंग द ईयर. सो की पॉइंट्स मैंने रिपीट किया है. नो डिडक्शन शैल बी अलाउड इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी प्रोविजन मेड बाय द असेसी फॉर पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी टू हिज एम्प्लॉयज. एक्सेप्शन है जहां पेमेंट कर रहे हैं एज कॉन्ट्रीब्यूशन टूवर्ड्स अप्रूव्ड ग्रेच्युटी फंड. एंड नंबर टू प्रोविजन मेड फॉर पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्चुअली बिकमिंग पेएबल ड्यूरिंग द ईयर. कई कंपनीज क्या करती हैं, ये जो इंश्योरेंस कंपनीज होती है उनसे पॉलिसी ले लेती है. इंश्योरेंस कंपनी कहती है कि हमसे ग्रेच्युटी पॉलिसी ले लीजिए, हम बताते हैं आपको इतना प्रीमियम हर साल पे करना है हमें, और जो भी इंप्लॉय छोड़ के जाएगा ग्रेच्युटी हम मीट करेंगे. तो बताइए मैंने LIC से एक पॉलिसी ली ग्रेच्युटी के लिए, उसके लिए जो मैं प्रीमियम पे करूंगा क्या वो इस सेक्शन में डिसअलाउ हो जाएगा? नो. उसमें बोर्ड का सर्कुलर है कि वो हम अलाउ कर देंगे अंडर सेक्शन 37(1). नेक्स्ट पेज पे पॉइंट 3 देखिएगा. इफ अ पॉलिसी इज टेकन फ्रॉम एनी इंश्योरेंस कंपनी फॉर प्रोवाइडिंग ग्रेच्युटी टू द एम्प्लॉयज देन एनुअल प्रीमियम पेड टू द इंश्योरेंस कंपनी इज अलाउड एज डिडक्शन अंडर सेक्शन 37(1)(2). बताइए मैंने एक्चुअरी के हिसाब से प्रोविजन की है, क्या अलाउ होगी? 40(a)(7) मना कर रहा है. सो इफ द ग्रेच्युटी फंड इज अनअप्रूव्ड डिडक्शन फॉर ग्रेच्युटी शैल नॉट बी अलाउड इवन इफ द प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी इज मेड एज पर द एक्चुअरी. वापस आइए, एक्सेप्शंस देख रहे हैं आप, एक्सेप्शंस देख रहे हैं आप. पेमेंट एज कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स अप्रूव्ड ग्रेच्युटी फंड. मैंने सपोज एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू ग्रेच्युटी फंड 10 lakh, टू एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन पेएबल 10 lakh, ये एंट्री डाल दी, अलाउ हो जाएगी मुझे? या फिर सेक्शन 43(b) लग जाएगा आपको? चलिए चलिए रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए, दोबारा से करते हैं. इसको छोड़ दीजिए, बाकी सब क्लियर है? छोड़िए सर. अच्छा, यहां पर ना कुछ 43(b) का इशू है, वो हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे. यहां कुछ 43(b) का इशू है, उसे नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे. सो यहां 40(a)(7) में कुछ इशू है, उसे नेक्स्ट क्लास में कवर कर लेंगे. ठीक, चलिए जो LIC वाले प्रीमियम डिटरमिन करते हैं वो भी एक्चुअरी से निकलवाते हैं, बट वहां क्या है कि LIC से मेरा कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो मेरी पेमेंट फिक्स हो गई, अब LIC पैसा देगी, उस पैसे को मैं कहीं मार नहीं सकता, यूज नहीं कर सकता, LIC यूज करेगी, इसलिए उसे अलाउ कर रहे हैं. आइएगा पेज 137, पेज 137. जनरल क्लॉज फॉर डिडक्शंस. सो इनफैक्ट सेक्शंस 30-36 में बहुत कम खर्चे दिए हुए हैं. आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट्स होते हैं ना, उसका सिर्फ 1% ये सेक्शन कवर करते हैं,
बाकी 99% किससे कवर होता है? सेक्शन 37 वन से। जैसे सैलरी है, सैलरी कहीं इन सेक्शन में नहीं लिखी हुई, 37 वन में अलाउ होती है। वेजेस सेक्शन में अलाउ होती है, सिक्योरिटी एक्सपेंसेस सेक्शन में अलाउड होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, वाटर एक्सपेंसेस, ऑडिट फीस, अकाउंटिंग चार्जेस, सो मोस्टली 37 वन में अलाउ होते हैं। देखिएगा, एनी एक्सपेंडिचर जो 30 to 36 में कवर्ड नहीं है उसे हम अलाउ करेंगे 37(1) में, प्रोवाइडेड इट शुड नॉट बी कैपिटल एक्सपेंडिचर, इट शुड नॉट बी पर्सनल एक्सपेंडिचर, एंड इट शुड बी लेड आउट होली एक्सक्लूसिवली फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस प्रोफेशन। एक टाटा टी का केस आया, शायद मैंने फर्स्ट क्लास में बात की थी आपसे। टाटा टी टेररिस्ट को पैसा देती थी, टाटा टी टेररिस्ट को पैसा देती थी। टाटा टी के चाय के बगान हैं नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, असम वगैरह में, और अल्फा टेररिस्ट अगर उनको पैसा नहीं दिया जाता था उन चाय के बगानों में आग लगा देते थे। तो टाटा टी हर साल 5 crores उनको पे करती थी, एंड टाटाज आर नोन फॉर दे ऑनेस्टी। वो अपने प्रॉफिट एंड लॉस को में लिखते थे पेड टू टेररिस्ट 5 crores। ए उन्हें डिसलाउ कर दिया, मैटर सुप्रीम कोर्ट तक गया, इनफैक्ट हाई कोर्ट वगैरह सबने डिसलाउ कर दिया। मैटर सुप्रीम कोर्ट में गया, रतन टाटा ने कहा ये केस मैं खुद आर्ग्यू करूंगा, मुझे कोई वकील नहीं चाहिए। सो रतन टाटा उस समय टाटा टी के मैनेजिंग डायरेक्टर होते थे, ही सेड दैट आई विल आर्ग्यू द केस इन द सुप्रीम कोर्ट माई सेल्फ। सो रतन टाटा इस केस को लड़ने गए और उन्होंने कहा कि जो मैंने एक्सपेंडिचर इनकर किया है उसी वजह से मेरा बिजनेस चलता है। ही सेड आप कोई भी टी कंपनी देख लीजिए जिन्होंने पैसा नहीं दिया टेररिस्ट को, वो सबके चाय के बगान जला दिए गए। एंड देयरफॉर जो मैंने पैसा दिया ना तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है ना ही पर्सनल एक्सपेंडिचर है, इट वॉज इनकर्ड फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस प्रोफेशन। और सुप्रीम कोर्ट ने टाटा टी को टेररिस्ट मनी अलाउ कर दिया था, और उस समय फिर इन्होंने टाटा टी जजमेंट को ओवररूल किया बाय इंसर्टिंग एक्सप्लेनेशन 1 to Section 37(1). फॉर द पेज 137, फॉर द रिमूवल ऑफ डाउट्स इट इज हेयर बाय डिक्लेयर्ड दैट एनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय नेसेसी फॉर एनी पर्पस विच इज एन ऑफेंस और विच इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ शैल नॉट बी डीम्ड टू हैव बीन इनकर्ड फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस प्रोफेशन एंड नो डिडक्शन और अलाउंस शैल बी मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ सच एक्सपेंडिचर। आप टेररिस्ट को पैसा दे रहे हैं, इट्स एन ऑफेंस, इट्स एन ऑफेंस। आपका बच्चा किडनैप हो जाता है, जो रेंस जो किडनैपर से आपसे रैंसम मांगते हैं, आप रैंसम देते हैं, बताइए क्या वो इस सेक्शन में डिसअलाउ हो जाएगी या नहीं? डिसअलाउ हो जाएगी, बिकॉज अगर आप किसी को भी पैसा देते हैं इलीगली दैट इज ऑफेंस, दैट इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ। असेसी हफ्ता देता है, हफ्ता, क्या वो अलाउ हो जाएगा? नो। मैंने अपने अकाउंट्स में डेबिट किया है सीक्रेट कमीशन 10 lakh, हेडिंग दी सीक्रेट कमीशन 10 lakh। ये वो कहता है किसको पे की? मैं कहता हूं नहीं बताऊंगा आपको, क्योंकि मैंने पुराने एओ को पे की थी, क्योंकि मैंने पुराने एओ को पे की थी। बताइए ब्राइब ऑफेंस होता है या नहीं? ऑफेंस है, देयरफॉर डिसअलाउड। पेमेंट मेड टू डॉन, डिसअलाउड। सो आप इस तरह के जो पेमेंट्स करेंगे दे विल बी ऑल डिसअलाउड। द अबव अमेंडमेंट विल रिजल्ट इन डिसअलाउंस ऑफ क्लेम्स मेड बाय सर्टन असेसिस इन रिस्पेक्ट ऑफ पेमेंट्स ऑन अकाउंट ऑफ प्रोटेक्शन मनी, एक्सटॉर्शन, हफ्ता, ब्राइब, एटसेट्रा,
as business expenditure. It is well decided that unlawful expenditure is not allowable as deduction in computation of the income. Next, आज आप देखिए, आपको टेम्परेचर हो जाता है, नॉट कोविड, तो घर में कहते हैं पीसीएम खा लीजिए, पैरासीटामोल खा लीजिए, और पीसीएम मेघा से 5 रुपए का पत्ता आता है, पूरा स्ट्रिप 5 रुपीज का आता है, बट किसी बड़े हॉस्पिटल में चले जाएंगे आप, वो आपको टैबलेट लिख के देगा जिसका बड़ा फैंसी सा नाम होगा, उसमें सॉल्ट यही होगा, बट वो 50 रुपए की होती है, और आपको लगता है हमारे डॉक्टर ने लिख के दिया तो इससे जल्दी ठीक हूंगा मैं, इसलिए यही लेनी है मुझे. दैट्स अ ह्यूमन टेंडेंसी कि जहां पेशेंट होता है कोई रिस्क नहीं लेता. और देखिए, डॉक्टर्स की कमीशन इन्वॉल्व होती है, डॉक्टर्स को बोला जाता है कि आप ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब करिए, और अगर आप ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगे हम आपको फ्री में लैपटॉप देंगे, फ्री में राउंड द वर्ल्ड ट्रिप देंगे. यस, फार्मा कंपनीज देती हैं, फार्मा कंपनीज देती हैं, केवल फार्मेसी से नहीं होती, मैन्युफैक्चरर से भी होती है. मैन्युफैक्चरर ही तो फार्मा कंपनी है, जैसे रेनबैक्सी दवाइयां बनाती है. रेनबैक्सी जो है डॉक्टर्स को बोलती है, देखिए रेनबैक्सी वाले केमिस्ट को कमीशन अलग देते, वो तो अलग बात है, वो इलीगल नहीं है, बट रेनबैक्सी डॉक्टर्स हॉस्पिटल्स को बोलती है कि आप हमारी ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब करिए जिसका रेट 10 times है, तो उससे क्या है, उस कंपनी की सेल्स जैकअप हो जाती है, बढ़ जाती है. सो ये बड़ा कॉमन देखा गया, बड़ा कॉमन देखा गया, और इन कंपनीज की प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सेल्स प्रमोशन जब इन्होंने एनालाइज किया, वहां लैपटॉप्स दिए गए हैं डॉक्टर्स को, फ्री फॉरेन ट्रिप्स दिए गए हैं डॉक्टर्स को, सो फ्रीबीज दी गई है बड़ी सारी. इसी तरह आज आप अपना एक्सरे करा लीजिए, अपना सीटी स्कैन वगैरह करा लीजिए, ब्लड टेस्ट करा लीजिए, किसी हॉस्पिटल में जाएंगे ना, वो कहता है ये रिपोर्ट नहीं मानते हम, हमारी प्रिस्क्राइब लैब्स हैं, वहां से आप टेस्ट करा के आइए, और जो आपको प्रिस्क्रिप्शन लिखा होगा ना, उसमें लिखा होगा रेफर्ड बाय डॉक्टर चड्डा ऑफ दिस हॉस्पिटल, और जब आपकी एक्सरे रिपोर्ट बनती है उसमें भी लिखा होता है पेशेंट का नाम रेफर्ड बाय डॉक्टर सुवेंसो. और ये जो एक्सरे क्लिनिक है, सिटी स्कैन क्लिनिक है, ये उस डॉक्टर को रेफरल फीस देता है, पूरा रैकेट है ये, पूरा रैकेट है ये. फाइनेंस मिनिस्ट्री को एओज ने बताया कि हमने इस तरह के फार्मा कंपनीज में हंड्रेड्स ऑफ करोड़ के एक्सपेंडिचर देखे हैं, हमें अलाउ करने पड़ जाते हैं बिकॉज दे से सेल्स प्रमोशन. फाइनेंस मिनिस्ट्री ने अलाउ मत करिए, बिकॉज जो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया है वो कहता है, उनकी रेगुलेशंस हैं कि इस तरह की फ्रीबीज नहीं दी जा सकती डॉक्टर्स को और इन टेस्टिंग जो हाउसेज हैं उनको. एंड देयरफॉर गवर्नमेंट ने ये सर्कुलर इशू किया, CBDT ने ये सर्कुलर इशू किया. पेज 138 पर देखिएगा, 138 सर्कुलर नंबर 5. इट हैज बीन ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ द बोर्ड दैट सम फार्मा एंड अलाइड हेल्थ सेक्टर इंडस्ट्रीज. व्हाट इज दिस अलाइड हेल्थ सेक्टर इंडस्ट्रीज? ये जो टेस्टिंग लैब्स होती हैं, एक्सरे वगैरह करते हैं, आर प्रोवाइडिंग फ्रीबीज टू मेडिकल प्रैक्टिशनर्स एंड देयर प्रोफेशनल एसोसिएशंस
इन वॉयलेशन ऑफ रेगुलेशंस इश्यूड बाय मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया. द मेडिकल काउंसिल अमेंडेड द इंडियन मेडिकल काउंसिल प्रोफेशनल कंडक्ट एटिक्वेट एथिक्स रेगुलेशंस इम्पोजिंग अ प्रोहिबिशन ऑन द मेडिकल प्रैक्टिशनर एंड देयर प्रोफेशनल एसोसिएशंस फ्रॉम टेकिंग एनी गिफ्ट ट्रेवल फैसिलिटीज हॉस्पिटैलिटी कैश मॉनेटरी ग्रांट फ्रॉम फार्मा एंड अलाइड हेल्थ सेक्टर इंडस्ट्रीज. 37(1) प्रोवाइड्स फॉर डिडक्शन ऑफ एनी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अदर देन दोज फॉलिंग इन सेक्शंस 30-36 फ्रॉम बिजनेस इनकम इफ सच एक्सपेंसेस लीड आउट एक्सपेंडेड होली एक्सक्लूसिवली फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस प्रोफेशन. हाउएवर द एक्सप्लेनेशन टू दिस सबसेक्शन डिनाइज क्लेम ऑफ सच एक्सपेंस इफ द सेम हैज बीन इनकर्ड फॉर अ पर्पज विच इज ऑफेंस और इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ. दस द क्लेम ऑफ एनी एक्सपेंस इनकर्ड इन प्रोवाइडिंग द अबव मेंशन और सिमिलर फ्रीबीज इन वॉयलेशन ऑफ प्रोविजन ऑफ इंडियन मेडिकल काउंसिल रेगुलेशंस शैल बी इनएडमिसिबल अंडर 37(1) ऑफ द एक्ट बींग एन एक्सपेंस प्रोहिबिटेड बाय law. This disallowance shall be made in the hands of such pharma or allied health sector industry or other assessee which provided aforesaid freebies and claimed it as deductible expenditure in its accounts against the taxable income. So pharma company jo freebies deti hai wo disallow ho jayegi. Aap jo keh rahe the pharma companies chemist ko 40% discount deti hai, वो तो ट्रेड डिस्काउंट होता है, वो तो ट्रेड डिस्काउंट होता है. वो तो 100 रुपए का जो स्ट्रिप होता है केमिस्ट को बेचते ही 60 का है, ट्रेड डिस्काउंट है वो तो. अच्छा, मैं डॉक्टर हूं, मुझे रेनबैक्सी ने लैपटॉप दिया, रेनबैक्सी के हाथ में लैपटॉप की कॉस्ट डिसअलाउ हो जाएगी, उसने सेल्स प्रमोशन क्लेम किया होगा, सेल्स प्रमोशन डिसअलाउ हो जाएगी, मुझ डॉक्टर के हाथ में क्या होगा, कौन सी इनकम. मैं एक हॉस्पिटल में एम्प्लॉय हूं, ये क्वेश्चन एमसीक्यू में दिया आपका, बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनाया इंस्टीट्यूट ने. मैं अगर एम्प्लॉय हूं, डॉक्टर हूं, एम्प्लॉय हूं एक हॉस्पिटल का, और मुझे रेनबैक्सी लैपटॉप दे रही है, तो क्या मेरे हाथ में ये परक्विजिट है, टैक्सेबल है सैलरी. सैलरी तब टैक्सेबल होती है जब इंप्लॉयर देता है, मुझे इंप्लॉयर से पेमेंट थोड़ी मिल रही है, कोई गिफ्ट मिलता है इंप्लॉयर से तो टैक्सेबल होता है सैलरी में, गिफ्ट आउटसाइडर से मिल रहा है दैट इज नॉट सैलरी. सेकेंड पैरा देखिए बोर्ड क्या कहता है. It is also clarified that sum equivalent to the value of freebies enjoyed by the above said, aforesaid medical practitioner or professional association is also taxable as business income or income from other sources as the case may be. As the case may be, matlab, agar doctor practice kar raha hai, then business income. Agar employee hai, other sources. Depending on the facts of the case, the AOs of such medical practitioner or professional association should examine the same and take an appropriate action. Clear hai? Okay. Bataiye. मैं डोनेशन देता हूं पॉलिटिकल पार्टी को, क्या वो मेरा बिजनेस एक्सपेंडिचर है? है. रतन टाटा वॉज अ ब्रेव बिजनेसमैन, उन्होंने टेलीविजन पर इंटरव्यू दिया,
उन्होंने कहा इंडिया में कोई इंडस्ट्री काम नहीं कर सकती इंक्लूडिंग वी टाटास जब तक हम पॉलिटिकल पार्टीज को पैसा नहीं देते हैं। सो रतन टाटा सेड कि चाहे कोई कुछ बोल ले बिकॉज पहले डोनेशंस टू पॉलिटिकल पार्टीज अलाउड नहीं होती थी, अगर आप करते भी थे तो डिसलाउ कर देते थे। तो रतन टाटा वॉज वेरी ब्रेव टू अपियर ऑन द नेशनल टेलीविजन एंड से कि इंडिया में कोई बिजनेस कर ही नहीं सकता विदाउट प्लीजिंग द पॉलिटिकल पार्टीज। ही सेड मे इट बी टाटाज बिरलाज और एनी इंडस्ट्रियल हाउस सब डोनेशंस देते हैं पॉलिटिकल पार्टीज को, हमें लीगली अलाउ नहीं होता तो हम इलीगली देते हैं। एंड ही सेड नो वन कैन स्टॉप अस बिकॉज अवर बिजनेस विल स्टॉप अदरवाइज। सो इतनी ब्रेव स्टेटमेंट दी रतन टाटा ने एंड ही सेड दिस इज अ हार्ड फैक्ट ऑफ लाइफ नो वन कैन डिनाय सिंस इंडिपेंडेंस दिस इज हैपनिंग एंड दिस विल कंटिन्यू टू हैपन। एंड गवर्नमेंट नींद से जागी, गवर्नमेंट ने कहा ठीक है हम लीगलाइज करते हैं सब कुछ, आप जो भी डोनेशन देंगे पॉलिटिकल पार्टी को कोई लिमिट नहीं है, हम आपको अलाउ कर देंगे एज डिडक्शन अंडर सेक्शन 80GGB और 80GGC। इनकम आपकी 1 करोड़ है, आपने पॉलिटिकल पार्टी को 1 करोड़ डोनेट कर दिया, इनकम निल, सारी डिडक्शन क्लेम कर लीजिए। सो 80GGB 80GGC, वो कहते हैं कि अगर आप पेमेंट करते हैं पॉलिटिकल पार्टी को तो चैप्टर 6A में डिडक्शन होती हैं, तो जितनी आपने पेमेंट की डेट इज फुली अलाउड एज डिडक्शन अंडर 80GGB 80GGC। आप कह रहे थे जो मैंने पेमेंट की पॉलिटिकल पार्टी को इट्स अ बिजनेस एक्सपेंडिचर, नो इट्स नॉट अ बिजनेस एक्सपेंडिचर। एक मिनट, डोनेशन पेमेंट तो एक ही बात होती है, मैंने पॉलिटिकल पार्टी को पेमेंट की, डोनेशन की बात तो एक ही है। प्लीज यहां पर एग्जामिनर कंफ्यूज करता है, चाहे डोनेशन करें या पेमेंट दें पॉलिटिकल पार्टी को, दोनों ही 80GGB 80GGC में कवर्ड है। बिकॉज 80GGB 80GGC से कि आप कोई भी पेमेंट करते हैं पॉलिटिकल पार्टी को दैट्स अलाउबल एज डिडक्शन अंडर दिस सेक्शन 100%। बट जब आप PGBP इनकम निकालेंगे तो क्या करेंगे, डिसअलाउ करेंगे बिकॉज पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन बिजनेस का कैरी ऑन करना नहीं माना जाएगा, इट इज नॉट फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस प्रोफेशन रियली, बट उसकी आपको डिडक्शन दे देंगे GTI में से 80GGB 80GGC में से। क्लियर है? सो डोनेशंस टू पॉलिटिकल पार्टी अलाउ नहीं होती, डिसअलाउ हो जाती है PGBP निकालते वक्त, बट उसका आपको डिडक्शन मिल जाता है 80GGB 80GGC में। इस पे रिस्ट्रिक्शंस हैं कैश वगैरह की, वो अलग से कराओ। ठीक है, एक मिनट। तो इन्होंने कुछ बातें पूछने की कोशिश की, कैश का कुछ इशू आया है। यस, अगर कैश में डोनेशन देंगे तो 80GGB GGC नहीं मिलेगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। क्यों पूछ रहे हो आप ये क्वेश्चन? ओके, जब पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशंस बैन थी, जब पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशंस बैन हुआ करती थी, तब लोगों ने एक नया तरीका निकाल लिया था। पॉलिटिकल पार्टी को बोलते थे अपना एक मैगजीन निकाल दीजिए, एक मैगजीन निकाल दीजिए, हम उसमें अपना बिजनेस का एड दे देंगे, 2 करोड़ रुपए चार्ज कर लीजिए कम से।
एक पैम्फलेट निकाल दीजिए, एक किताब निकाल दीजिए, हम उसमें ऐड दे देंगे, उसके हम आपको 2 करोड़ का दे देंगे। तो इनडायरेक्टली हम दिखा रहे हैं ऐड पहुंच या पैसा पॉलिटिकल पार्टी को। एंड देयरफॉर गवर्नमेंट लेके आई थी सेक्शन 37(2)(b) पेज 142 पेज 142 सो पेमेंट्स मेड टू पॉलिटिकल पार्टी, अगर आप ये कहते भी हैं कि मैं बिजनेस के दौरान कर रहा हूं इसलिए 37(1) में अलाउड है, हम 37(1) को ओवररूल कर देते हैं। अगर कोई ये कहने की कोशिश करेगा कि मैं बिजनेस के दौरान कर रहा हूं इसलिए 37(1) में अलाउड है, तो हम 37(1) ओवररूल कर देते हैं। 37(2)(b) नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन 37(1), नो अलाउंस विल बी मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द सेसी ऑन एडवर्टाइजमेंट इन एनी सोवेनियर ब्रोशर ट्रैक पैम्फलेट और द लाइक पब्लिश बाय द पॉलिटिकल पार्टी। क्लियर है? मैंने 10 लाख रुपए दिए पॉलिटिकल पार्टी को फॉर एडवर्टाइजमेंट इन द मैगजीन, क्या होगा? डिसअलाउ। क्या मुझे 80 GGB GGC मिल जाएगी उसके लिए? क्यों नहीं मिलेगी? इट्स पेमेंट टू द पॉलिटिकल पार्टी, इट्स पेमेंट टू द पॉलिटिकल पार्टी। 80 GGB GGC सेज कि एनी पेमेंट टू पॉलिटिकल पार्टी इज एलिजिबल फॉर डिडक्शन अंडर 80 GGB GGC। तो अगर आपने पॉलिटिकल पार्टी को पेमेंट किया फॉर गिविंग एडवर्टाइजमेंट इन द ब्रोशर वगैरह, वो डिसला हो जाएगी, बट द पेमेंट विल बी अलाउड एज डिडक्शन अंडर 80 GGB GGC। लिखिए इसके आगे, इफ से ₹10 lakh पे टू BJP, छोटा नाम हो जाएगा पॉलिटिकल पार्टी का, फॉर एडवर्टाइजमेंट इन द मैगजीन, क्या होगा? Then 10 lakh will be disallowed under 37(2)(b). Deduction of 10 lakh shall be allowed under section 80 GGB 80 GGC. क्लियर है? की पॉइंट्स देखिए, डोनेशंस टू पॉलिटिकल पार्टी एंड इलेक्टोरल ट्रस्ट आर डिसअलाउड सिंस सच डोनेशंस कैन नॉट बी सेट टू बी एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस प्रोफेशन। इलेक्टोरल ट्रस्ट बाद में करा दूंगा आपको, क्या होती है। हाउएवर डोनेशंस टू पॉलिटिकल पार्टी एंड इलेक्टोरल ट्रस्ट आर अलाउड एज डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80 GGB 80 GGC ऑफ द। वापस आइए, आप किसी मिनिस्टर के ट्रस्ट को पैसा दे रहे हैं, ट्रस्ट 80G में अप्रूव्ड है, मिनिस्टर इज नॉट अ पॉलिटिकल पार्टी,
तो पॉलिटिकल पार्टी वो होती है जो इलेक्शन कमिश्नर में रजिस्टर्ड होती है, पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट, करेक्ट। अगर आप अमित शाह की कोई ट्रस्ट को पैसा देते हैं, डोनेशन दे रहे हैं, इट विल बी डिसअलाउड, बट उसका आप 80G में डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं 50%, सब्जेक्ट टू 10% ऑफ GTI। क्लियर है? वापस आइए पेज 137 पर। एक होता है आपका CSR एक्सपेंडिचर, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो कुछ बड़ी कंपनीज को अपने नेट प्रॉफिट का कुछ परसेंटेज स्पेंड करना होता है ऑन CSR, यानी कुछ पब्लिक के प्रोजेक्ट्स पे पैसा खर्च करना होता है ताकि वो अपनी एज अ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करें। अब कंपनी CSR पर मान लीजिए 1 करोड़ रुपए खर्चा करती है और ये उनकी ऑब्लिगेशन है अंडर CSR रूल्स। अब बताइए क्या कंपनी इसको 37(1) में क्लेम कर सकती है या नहीं? लॉ में प्रोहिबिशन आई, कि इसको आप 37(1) में क्लेम नहीं कर सकते, बिकॉज ये तो आपकी ऑब्लिगेशन है कि प्रॉफिट का इतना परसेंटेज, 1 करोड़ आया, ये आप खर्च करें सोसाइटी पर, अगर उसकी हम आपको डिडक्शन देंगे तो 30% टैक्स बचा के ले गए आप। एंड देयरफॉर सेक्शन 37 में अमेंडमेंट आई कि जो एक्सपेंडिचर आप CSR पर इनकर करते हैं दैट विल नॉट बी अलाउड एज डिडक्शन अंडर 37(1)। देखिएगा एक्सप्लेनेशन 2 टू सेक्शन 37(1) कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सपेंसेस। अभी बात करते हैं, बात कर लेते हैं, पहले सेक्शन ध्यान से पढ़ लेते हैं। ये कुछ बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि मोदी साहब ने बहुत बातें की थी, अभी बात कर लेते हैं। फॉर द रिमूवल ऑफ डाउट इट इज हेयर बाय डिक्लेयर दैट फॉर द पर्पज ऑफ सबसेक्शन 1, यानी 37(1) एनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द सेसी ऑन द एक्टिविटीज रिलेटिंग टू CSR रेफर्ड इन सेक्शन 135 ऑफ द कंपनीज एक्ट शैल नॉट बी डीम्ड टू बी एन एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द असेसी फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस प्रोफेशन। सो 37(1) में अलाउ नहीं होगा, ये 37(1) में अलाउ नहीं होगा आपका ये। सो CSR एक्सपेंडिचर आपको करना पड़ता है बिकॉज ऑफ द कंपनीज एक्ट, ऑब्लिगेशन है वहां पर। तो उसको जो आपने खर्च किया है, अगर आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट किया है, डेबिट तो किया ही होगा, उसको आप एड बैक करेंगे, डिसअलाउ करेंगे, उसे आप 37(1) में क्लेम नहीं कर सकते। मैं सपोज पीएम केयर फंड की बात नहीं कर रहा, मैं कोविड की बात नहीं कर रहा, जनरल बात कर रहा हूं। पीएम रिलीफ फंड है जो 80G में रजिस्टर्ड है, अगर इसको पैसा देते हैं यह माना जाता है कि CSR एक्सपेंड है आपका। तो जो आपने पीएम रिलीफ फंड को पैसा दिया वो 80G में 100% रिडक्शन के लिए एलिजिबल होता है और उसको हम CSR स्पेंड मान लेते हैं, उसे हम CSR स्पेंड मान लेते हैं। बताइए मैंने 1 करोड़ रुपए दिया पीएम रिलीफ फंड को, डेबिट कर दिया प्रॉफिट लॉस अकाउंट में, CSR एक्सपेंडिचर है मेरा ये, PEGP भी निकालते वक्त क्या करेंगे आप? एडबैक कर देंगे।
बट क्या मुझे इसकी एटीजी मिल जाएगी? मिल जाएगी, एटीजी मिल जाएगी। सो इसलिए हम कंपनीज को एडवाइस करते हैं कि खुद एक्सपेंडिचर इनकर करने की जगह सीएसआर का पीएम को दे दीजिए, वो खर्च कर लेंगे। और वहां पर क्या है, अदरवाइज खुद करेंगे डिसला हो जाएगा, पीएम से करवा दीजिए, एटीजी क्लेम कर लीजिएगा, ठीक। लेकिन एटीजी में अमेंडमेंट आई कि ये जो है आपका जो स्वच्छ भारत कोष और गंगा वाला क्लीन गंगा, अगर इन दोनों फंड में कंट्रीब्यूट करते हैं तो आप या तो उसे सीएसआर स्पेंड मान लीजिए, अगर सीएसआर स्पेंड मान लिया तो एटीजी नहीं मिलेगा आपको, और अगर सीएसआर स्पेंड नहीं मान रहे तो एटीजी ले लीजिए। ये जो है तो स्वच्छ भारत कोष, नेक्स्ट पेज, स्वच्छ भारत कोष, क्लीन गंगा फंड, अगर इसको पैसा देते हैं सीएसआर स्पेंड का पार्ट बनेगा, बट इसको जो पैसा दिया आपने का सीएसआर स्पेंड में काउंट हो गया है तो एटीजी क्लेम नहीं कर सकते, इसमें एटीजी क्लेम नहीं कर सकते। हाँ, तो अगर मैंने स्वच्छ भारत कोष को 1 करोड़ दिया, मुझे सीएसआर में 1 करोड़ खर्च करना है, तो यह माना जाएगा मैंने सीएसआर की तरफ खर्च किया है, इनकम निकालते वक्त डिसलाउ हो जाएगा और एटीजी नहीं मिलेगी मुझे। सर, अलाउ होगा ना इनकम निकालते समय? क्यों अलाउ होगा? ये जो स्वच्छ भारत कोष और क्लीन गंगा फंड में डिडक्शन नहीं मिलेगी ना? आपने जो पैसा दिया स्वच्छ भारत कोष को, एक मिनट, मैं टाटा स्टील हूं, मुझे सीएसआर में इस साल 1 करोड़ खर्च करना है, मैंने क्या किया, मेरा प्रॉफिट लॉस अकाउंट है, मैंने स्वच्छ भारत कोष में 1 करोड़ दे दिया, मेरा नेट प्रॉफिट आ रहा है 30 करोड़। अब इसको मैंने सीएसआर स्पेंड मान लिया है, तो एज पर 37 एक्सप्लेनेशन 2 क्या होगा, 30 करोड़ में 1 करोड़ एडबैक कर देंगे, डिसला हो गया, और सिंस इसे हमने सीएसआर स्पेंड मान लिया है, अब एटीजी क्लेम नहीं कर सकते। कोई डाउट है तो पूछ लीजिए प्लीज। बट अगर मैं पीएम रिलीफ फंड को पैसा देता फिर क्या होता, जो सीएसआर स्पेंड मान लिया गया है यहां एडबैक कर देते, लेकिन एटीजी मिल जाता मुझे, बिकॉज एटीजी में अमेंडमेंट किसके लिए आई है, डोनेशन टू स्वच्छ भारत कोष एंड क्लीन गंगा फंड फॉर्म्स पार्ट ऑफ द सीएसआर स्पेंड्स, सच डोनेशंस आर नॉट डिडक्टेबल अंडर एटीजी इफ दे आर ट्रीटेड एज सीएसआर स्पेंड। Assessing an either claim deduction under ATG for donation made to Swachh Bharat Kosh or Clean Ganga Fund, or can claim the amount is in spent as CSR, दोनों केस में डिसअलाउ करेंगे हम इनकम निकालते वक्त, चाहे इसे CSR स्पेंड मान रहे नहीं मान रहे, दोनों केस में डिसअलाउ करेंगे इनकम निकालते वक्त, पीजीपी निकालते वक्त, और अगर CSR स्पेंड माना गया तो ATG क्लेम नहीं कर सकते, और अगर CSR स्पेंड नहीं माना गया तो ATG क्लेम कर सकते हैं। क्लियर है? थ्री। कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड और एनी अदर फंड सेट अप बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर द सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट रिलीफ वेलफेयर ऑफ शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब ओबीसी माइनॉरिटीज वुमेन विल बी ट्रीटेड एज सीएसआर स्पेंड, और इसको हम एटीजी में क्लेम कर सकते हैं। तो बताइए, जब रिटर्न ऑफ इनकम बनाएंगे तो क्या करेंगे, एडबैक करेंगे पीजीपी निकालते वक्त और एटीजी का बेनिफिट दे देंगे। 0.7
0.7, जो आप बात करने की कोशिश कर रहे थे शायद, पीएम केयर फंड, डोनेशन टू पीएम केयर्स फंड विल बी ट्रीटेड एज सीएसआर स्पेंड एंड ऑल्सो एलिजिबल फॉर डिडक्शन अंडर एटीजी. कोविड फंड जो है क्या नहीं आएगा? नहीं, ये तो पीएम केयर्स फंड है, ओनली पीएम केयर्स फंड. बड़ा क्लियर है, इट्स द पीएम केयर्स फंड. सो पीएम केयर्स फंड को जो डोनेशन देंगे हम, उसे सीएसआर स्पेंड भी मानेंगे और एटीजी बेनिफिट भी मिलेगा आपको. लेकिन सुनिएगा प्लीज, मैंने कराया नहीं आपको. एक सेक्शन है 115BAA और एक सेक्शन लाए हैं 115BAB, जहां डोमेस्टिक कंपनी का टैक्स रेट 22% हो जाएगा, 15% हो जाएगा, बट यहां पर एटीजी नहीं मिलेगी. आप एटीजी नहीं मिलेगी, तो अगर ये सेक्शन चूज कर लिया आपने, एटीजी खत्म कर देते हैं आप. अब आप 0.7 पूरा पढ़ लीजिए. क्या लिखा है? डोनेशन टू पीएम केयर फंड विल बी ट्रीटेड एज सीएसआर स्पेंड एंड इज ऑल्सो एलिजिबल फॉर डिडक्शन अंडर एटीजी. हाउएवर, कंपनी ने अगर 115BA ले लिया है और बी ले लिया है, अगर एक बार ले लिया तो लाइफ के लिए बन जाते हैं इन सेक्शन से. 115BAA, 115BAB, 15%, 22% वाला टैक्स होता है. सेक्शन एक बार ले लिया तो लाइफ के लिए बंद जाएंगे उन सेक्शन से, वहां एटीजी अलाउ नहीं होती है. तो उस केस में एटीजी आपको नहीं मिलेगा. चलिए इसको अब यहीं रोक देते हैं, जाते जाते वाले इश्यूज कर लेते हैं एक दो. एक डॉक्टर साहब थे, एमबीबीएस की डिग्री थी, मेडिकल प्रैक्टिस करते थे और साथ में एक धंधा और करते थे. ये मैन्युफैक्चर करते थे एंड सेल करते थे हीरोइन की. हीरोइन मींस ड्रग. सो फिल्म वाली हीरोइन नहीं, हीरोइन मींस ड्रग. सो ये डॉक्टर साहब मेडिकल प्रैक्टिस भी करते थे और मैन्युफैक्चर एंड सेल ऑफ हीरोइन जो ड्रग होती है वो भी करते थे. एक साल में इनके यहां रेड हुई और कस्टम वालों ने हीरोइन जब्त कर ली, कन्फिस्केट कर ली. सो स्टॉक ऑफ हीरोइन वॉज कन्फिस्केटेड. स्टॉक था 20 लाख रुपए का और इन डॉक्टर साहब को 25 लाख की इनकम हुई थी मेडिकल प्रैक्टिस से. सो डॉक्टर था एक, एमबीबीएस की प्रैक्टिस करता था, एमबीबीएस की प्रैक्टिस से उसे 25 लाख की इनकम आई. साथ में वो एक इलीगल काम और करता था, हीरोइन बनाता था, एक इलीगल ड्रग उसे बेचता था. कस्टमर ने रेड की, हीरोइन जब्त कर ली. हीरोइन थी 20 लाख रुपए की. अब इशू क्या उठा होगा कि मैटर सुप्रीम कोर्ट तक गया. तो
अब असेसी क्या करता है, इस 25 लाख के अगेंस्ट इस लॉस को सेट ऑफ करता है असेसी डॉक्टर। इस 25 लाख की इनकम के अगेंस्ट इस 20 लाख के लॉस को सेट ऑफ करता है। एओ कहता है जी एक्सप्लेनेशन 1 to 37 वन लग जाएगी, इलीगल एक्सपेंडिचर अलाउ नहीं करूंगा मैं। एओ कहता है मैं एक्सप्लेनेशन 1 लगाता हूं 37(1) की एंड देयरफॉर इट्स अ इलीगल एक्सपेंडिचर नॉट टू बी अलाउड। एक बात बताइए, सुप्रीम कोर्ट ने एग्जांपल दिया, अगर कोई स्मगलर बाहर से गोल्ड लेके आ रहा है, कोई स्मगलर बाहर से 50 करोड़ रुपए का गोल्ड स्मगल करता है, ठीक है, जिसकी मार्केट वैल्यू मान लीजिए 60 करोड़ रुपए है। अच्छा चलिए, बाहर से गोल्ड लाया 50 करोड़ का और इंडिया में 60 करोड़ का बेच देता है, इंडिया में इलीगली 60 करोड़ का बेच देता है। एक स्मगलर बाहर से 50 करोड़ का गोल्ड स्मगल करके लाया, इंडिया में इलीगली 60 करोड़ का बेच दिया, अब पकड़ा जाता है। 60 करोड़ उसकी सेल है, 50 करोड़ की परचेज का एक्सपेंस आप अलाउ करेंगे या नहीं? क्यों नहीं करेंगे? एक बात बताइए, क्या इनकम टैक्स ये कहता है कि लीगल बिजनेस की इनकम टैक्सेबल होती है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि द इनकम टैक्स एक्ट डज नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन इलीगल एंड लीगल बिजनेस। सुप्रीम कोर्ट ने कहा लॉ की आंखों में, आईज में इनकम इनकम होती है, चाहे लीगल हो या इलीगल हो। एक मिनट मुझे कंप्लीट कर दीजिए। तो अगर स्मगलर की भी इनकम पकड़ी जाती है, चाहे इलीगल इनकम है, वो टैक्सेबल है। और स्मगलर की ग्रॉस रिसीट को आप इनकम थोड़ी बना देंगे, इनकम कंप्यूटेशन के तरीके तो वही रहेंगे जो नॉर्मल एसएससी के केस में होते हैं। तो अगर उसने 60 करोड़ का गोल्ड सेल किया तो 50 करोड़ का गोल्ड की जो प्राइस है वो तो अलाउ होगी आपको। हाँ, जो उसने कस्टम वालों को ब्राइब दी थी, जो पुलिस वालों को ब्राइब दी थी, वो अलाउ नहीं होगी। बताइए, जब मैंने दुबई में पेमेंट की वो इलीगल नहीं थी, वो तो लीगल थी। देखिए, इसी बात को सुप्रीम कोर्ट समझा रहा है। सुप्रीम कोर्ट कहता है, देखिए पहली बात तो ये एक्सपेंडिचर नहीं है, ये तो लॉस हुआ है ऑन कन्फिस्केशन ऑफ स्टॉक, ये दो अलग अलग बिजनेस है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये लीगल बिजनेस है, इलीगल बिजनेस है, और इलीगल बिजनेस में ये एक्सपेंडिचर नहीं है, ये तो लॉस हुआ एसएससी को। और लॉ कहीं भी लीगल इलीगल बिजनेस में डिफ्रेंसिएशन नहीं करता। लॉ अगर इलीगल इनकम है उसकी इनकम टैक्स करता है, तो इलीगल बिजनेस का लॉस है उसका भी सेम ट्रीटमेंट होना चाहिए, उसका बेनिफिट मिलना चाहिए एसएससी को। एंड देयरफॉर सुप्रीम कोर्ट सेड ये जो लॉस हुआ 20 लाख का, दैट विल बी सेट ऑफ अगेंस्ट दिस 25 लाख इनकम। सो दिस अ केस ऑफ डॉक्टर टी ए कुरैशी। ये काम करिए, इसे नेक्स्ट क्लास में करेंगे। कुछ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना शुरू करिएगा। लॉस कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा 20 लाख अगर सेट ऑफ नहीं होता तो। कुछ क्वेश्चंस लिखिए, आपको 20-25 क्वेश्चन दे देता हूँ, 20-25 मिनट में हो जाएंगे, बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन 1 to 9 एक्सेप्ट क्वेश्चन 5 क्वेश्चन 2 भी नहीं कर पाएंगे। क्वेश्चन 2
9 तक हो जाएगा आपका। क्वेश्चन 11, क्वेश्चन 13, 16, 17, 20 का पार्ट 104, 21, 29, 30, 49, 83, 90, 103, 113, 116 एंड 129। कोई भी कंप्यूटेशन का क्वेश्चन नहीं दिया मैंने आपको, नॉर्मल क्वेश्चंस दिए, बिकॉज सिंपल वाले थ्योरी टाइप, क्योंकि अभी प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने में मुझे 2 लेक्चर और लगेंगे अभी, क्योंकि क्वेश्चन में सब कुछ मिक्स किया होता है। तो मेरी कोशिश होगी कल हम कुछ कंसेप्ट कर लें इस तरीके से कि आप नेक्स्ट क्लास में 5-6 क्वेश्चन एटलीस्ट करके आ सके, लंबे वाले क्वेश्चंस। तो अभी ये क्वेश्चंस करिएगा, दिक्कत नहीं होगी, मुश्किल से 2 मिनट्स पर क्वेश्चन लगेगा आपको। ठीक है, विल स्टॉप हियर।